आज का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर और हमारे साथ इंतजार करिएगा। इंडिया चैप्टर के इस तीसरे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगर हम सिख लेंस के पहले चैप्टर्स की बात करें, पीछे चलेंगे सिख लेंस का 2020 फ्राइडे को 21 फरवरी को यहीं पर सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल रखा गया था, और इससे पहले सेकंड जो था वो 2021 में हुआ सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल इंडिया चैप्टर 21 फरवरी 2021 को। ये सफर चला और चलता चला गया और आज भी चल रहा है, और 2022 का 2022 का ये जो अंक है, ये जो एडिशन है, आज आपके सामने होगा, जिसमें 24 फिल्में दिखाई जाएंगी। और आज सिख लेंस सिख आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 65 फिल्में पूरी करेगा, ये आंकड़ा आज पूरा होगा। और आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस फेस्टिवल में। और सबसे पहले फेस्टिवल शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा सबसे पहले, सभी से सिंह, श्याम रावल गिल, और सभी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करें। श्याम सर, गोविंद सर, बहादुर सिंह सर, प्लीज। कुलदीप शर्मा हमारे बीच में एक्टर हैं, प्लीज ज्वाइन। चरणजीत सिंह सीजे सर आइए प्लीज। गोविंदा सर, लेकिन
ब्रिगेडियर ढिल्लों सर प्लीज। दीप प्रज्वलन की परंपरा, हम दीप जलाते हैं अंधेरा छटता चला जाता है। एक दीप से हजारों दीप, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें उजाले की ओर ले चलो। एक दीप से दूसरा दीप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर अंधेरा छटता चला जाता है। अंधेरा हमसे कोसों दूर रहे, हम जागरूक रहें। और जिस तरह से सिकलेंस जागरूकता फैला रहा है, बता रहा है कि कहां कहां सिख कौम जो है क्या करती है, और साथ में उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। जोरदार ताली आप सबकी ओर से, क्योंकि हम ज्योति के माध्यम से, दीप के माध्यम से लैंपिंग करके हम यहां पर अंधेरे को दूर भगा रहे हैं। और ये दीप जलाना ये दर्शाता है कि हम जागरूकता की लौ जो है पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा पहले एक दीप जला और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक से ही जलता चला जाता है। फैलनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि थे उनके द्वारा दीप प्रज्वलन की जो परंपरा है वो यहाँ पूरी हुई है। अतिथि देवो भव की परंपरा भी हमारे भारत में विद्यमान रही है वर्षों से, और अतिथियों का स्वागत पुष्प देकर, फूल देकर किया जा रहा है। और आपकी ओर से भी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि अब मेहमानों को पुष्प देकर, फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देव का रूप होता है। ओजस्वी शर्मा द्वारा सभी को फूल देकर स्वागत किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैडम गुरप्रीत कौर, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू एवरीबॉडी, जी आया नो, स्वागत हो सबका। दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द सिख लैंस फिल्म फेस्टिवल इन चंडीगढ़ इन इंडिया, इन दिस लवली लवली थिएटर, टैगोर थिएटर। सो आई रियली वांट टू थैंक द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अलाउइंग अस टू डू आवर फेस्टिवल हियर। देयर आर अ वेरी वाइड selection of movies throughout the whole day. So that's to give you a sample of, you know, what we've been doing for the last 15 to 20 years. These are movies that you would not see anywhere else. And they have not been shown last year or in the previous years. And then you have all these exhibitions by these people who you would not otherwise also see. So it's something very unique that we're offering you, you know, to hear, to come here and see and be a part of. You are a part of this. Without the audience, without the collaboration and partnerships, none of this would be possible. I'm not a morning person, so I understand to come by 10, 11 on a Sunday morning, which is the only day you have off. We really appreciate that. Thank you so much for being here. I hope that throughout the whole day, I know it's difficult to stay the whole day, but as you can come and go and see the things that we that are there to offer, that to view and be a part of. A couple of days ago, I was sending out all the WhatsApp invitations, and one of the persons responded back to me. So he said, "Why are you doing this? What is the mission?" And to go back about maybe 20 years, why did we start Sikh Lens in the US? I know we've talked about this before, but a lot of you are new here. So after 9/11, Sikhs, there have been a lot of hate crimes against Sikhs in the US and across the world. And so it tells us that Sikhs are
not understood, they're misunderstood. We've been in the US and Canada for over 120 years, but people still do not know who Sikhs are. And so we are not proselytizing, but we just want to tell our stories. We want people to know us and understand us. Because where there is knowledge and understanding, you would not have fear and hate. So that was the original purpose. And what has evolved over the years and what we find in India is that when you share your stories, when you share exhibitions, you're giving people a platform to come together. So that's what we're doing. We're giving people a platform to come and share their stories, share their exhibitions, share whatever they have to offer. And then on the other hand, it's an opportunity for people to come and learn and be inspired, especially the youth. They can see people who are doing things that are different, out of the box, and that gives them the courage and inspiration to do the same themselves. So I hope that is the takeaway from today. So thank you very much for being here, and I hope you enjoy yourself and have a wonderful day. Vaikru Ji Ka Khalsa, Vaikru Ji Ki Fateh. Bahut bahut shukriya, ma'am. Thank you so much. और सिख लेंस की जब बात आती है तो सिख लेंस पर बहुत सारी जानकारी जो है वो हमने दे भी दी है, और जैसे जैसे हम सिख लेंस के साथ जुड़े तो आज एक शेर याद आ रहा है इस समय कि हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। तो नजर तक चाहना शुरू किया था हमने सिख लेंस को, और जैसे जैसे इसको जाना, इसको समझा, इसको परखा, हम ये कहेंगे तो लगा कि ये तो जहां तक आ गया है, भीतर ही भीतर उतर रहा है, क्योंकि जिस तरह के कार्य सिक्लेंस कर रहा है उसे देखकर पता लगता है कि कहां कहां किन किन चीजों की जरूरत है, और सिक्लेंस वही काम कर रहा है। आओ मिलकर हम भी साथ चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हम। और अब स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स हैं, एक एक करके फिल्म आपके सामने जो है वो दिखाई जाएगी। तो मेरा अनुरोध है खुशप्रीत कौर, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस, कि वो मंच पर आए और आगे का कार्यक्रम संभाले। खुशप्रीत कौर, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिख लेंस, सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल, द फाउंडर बीकी सिंह एंड इंडिया हेड एंड फेस्टिवल डायरेक्टर सिख लेंस ओजस्वी शर्मा, दोनों की पूरी टीम वालों मैं थोड़े सारे का निघा स्वागत करती हाँ। सिख लेंस पिछले 25 साल तो सिख हैरीटेज के कल्चर को अगे वधाने अपना योगदान पा रहा है। सो अज जिन्या भी फिल्मा इतने स्क्रीन हो उन्हां सारियां विच तुसीं यही देखोगे कि सिख इतिहास नाल जुड़े हुए या ह्यूमैनिटी विच जो भी अपना योगदान पा रहे हैं विद इन एंड विदआउट सिख कम्यूनिटी नाल जिन्हें भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हां बारे तुहानूं रूबरू करवाएंगे सिख लेंस, सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल। सो पिछले 2 साल तो इंडिया विच ये फेस्टिवल हो रहा है। प्रीवियसली इन 2020 17 फिल्म्स वर स्क्रीन in Chandigarh, and in 2021 24 films were screened in Chandigarh and in Tagore Theatre only, and this year 24 films will be screened, and the showcase of 24 films including narratives, documentary, musical and animation will be screened. Thank you.
सर्वप्रिय निर्मोही सर नूं स्टेज ते सद्दा देवांगी अगले सैगमेंट नूं संभालण लई। थैंक यू। थैंक यू खुशप्रीत। एक सेगमेंट फिर दूसरा सेगमेंट और अब हम तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये अलग तरह का एक सेगमेंट है। उस सेगमेंट में क्या क्या हमारे सामने आने वाला है उस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। पोएट्री रीडिंग फ्रॉम रिपलिंग मून बीम्स बाय लिली स्वर्ण होगा। बुक लॉन्च ज्यूल्स फ्रॉम सेक्स विजडम ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी बाय हरिंदर सिंह। अबाउट द बुक अगेंस्ट ऑल ऑड्स लुंगेवाला हीरो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ऑफिशियल बायोग्राफी बाय हरदीप चांदपुरी एंड गुरजोत कलेर। क्लोजिंग सेशन जो इसी सेशन के अंदर होगा प्लेबैक ऑफ हुडी ट्रेलर। पोएट्री रीडिंग यूजिंग लॉस्ट वर्ड्स ऑफ पंजाबी बाय जतिन सलवान फ्रॉम द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक हुडी। और जतिन सलवान साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बता दूं कि वो एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड पोइट, हर एक भाषा में लिखा है, बहुत सारी भाषाओं में बड़ी सारी बातें करती हैं, ऑथर हैं, पीस और ह्यूमैनिटी एम्बेसडर भी हैं। कहीं ना कहीं से पीस की बात होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है, इंसानियत की बात होती है और सिक लेंस भी इंसानियत पर स्ट्रेस करके आगे बढ़ रहा है। 5 किताबें इन्होंने लिखी हैं और 50 नेशनल अवार्ड्स इनके हिस्से में हैं। लिलीज पोइट्री हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 17 लैंग्वेजेस, 17 भाषाओं में इनकी पोइट्री जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी है। और इनकी किताब बुक हिस्ट्री ऑन माई प्लेट रिसेंटली वन हर द बेस्ट इंडियन ऑथर अवार्ड 2021 बाय क्रिटिक स्पेस लिटरेरी अवार्ड्स। लिली इज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ गुजरात साहित्य अकेडमी अवार्ड और पंजाबी और जो उर्दू की इनकी कविताएं हैं या कुछ जो लिखा है इन्होंने उसे गाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है। और अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं लिली स्वर्ण। For that really wonderful build up to a very tiny lady. Tusi nimaniya de maan ho gaye. Ladies and gentlemen, Waheguru Ji da Khalsa, Waheguru Ji di Fateh. It is such a blessing to be under the Chhatra Chhaya, under this beautiful divine umbrella of the Sikh lens. Sikh lens arts has become so wide in its sway. There is art, there is literature, there are books outside, there are exhibitions, there's music, there are films, and how lucky are we to be part of this. A warm thank you to the Sikh Lens Foundation, to Gurpreet Kaur Ji, to Vicky Singh Ji, and for Ojaswi Sharma, who is the India head, for having us all together. Ke suhe vechire walea me kenia, kar chhatri di chhaame, chhaame benia. So you know that Sikhism is a language which has come, is a faith which is really old. 15th century CE, they say, and it's the 5th largest faith in the whole world. And it is also the youngest. So we are like debonair young people and we have so much to offer the world. That is why, along with artists and musicians and writers, we also have poets. Poets like Waris Shah, who told us, you know, who sang here for us, who told us the way to love. Poets like Paiveer Singh, who told us, Ke supne vich tusi mile asanu, asa tangal vakdi pai, nira noor kich hath na aya, sadi kamdi rahi kalai. Poets like Shiv Batalvi, who told us that, Mai ni me shikra yaar banaya. The Sufi poets, who told us, like Shah Hussain, Mai ni me kino akhaan dard vich hoye dahan.
So now let's talk about poetry in English. अंग्रेजी में बहुत सिख लोग लिख रहे हैं, ग्लोबली लिख रहे हैं. मैं अपने आप में भी खुशकिस्मत से बड़ भागी समझ दिया कि मैं भी अंग्रेजी दी किताबा लिखिया है, जिमें कि तो निर्भोई जी ने आख्या है. ये मेरी पंजवी किताब है जी, रिपलिंग मून बीम्स. तो ये जो तुम इजाजत दो तो मैं ये थोड़ा कुछ पढ़ के सुनावगी. वन ऑफ माई फेवरेट्स इज आई मिस द लैटर्स दैट यू रोट टू मी. माई हसबेंड इज अ फौजी, bearded khalsa, you know, with a turban, and when we got engaged he was posted in high altitude Sikkim. Te unna di yaad, unna di letters di yaad vich eh main likhya si ji, main tode naal sanjha karna chahwangi if you allow me. As you know that we are in a mela, and Gurbani vich likhya hai ke eh jo duniya seher mela dastgiri nahi. The world is a magic show and there's no one to really hold our hand. So here goes. My first lesson in poetry, incidentally, was the Holy Guru, Sri Guru Granth Sahib Ji. You know, when you hear the strains of the Sohila coming out to you, it's poetry at its best. So let's talk first about the letters that my Fauji wrote to me. I miss the letters that you wrote to me on crisp, masculine paper with a hint of high-altitude Bukhari smoke, permeating from a narrow bunker in the sky, handmade blue paper. The letters that you wrote sitting on a lonesome solitary picket somewhere in the high Himalayas. You often told me that you could see the Chinese from your vantage point and even hear their music being aired from their transistors. How it amused me to imagine you sitting all bundled up in your parka and monkey cap listening to Chinese songs. I treasured those letters like my life, always keeping them safe in the layers of my neatly ironed salwar kameezes, opening them surreptitiously to read and reread, coloring the deep rose color at the sweet nothings that crept up amidst the fire and the fury of warlike anecdotes. Your letters always carried bits and pieces of you, Sardarji, the white toothy grin, the quirky lift of a brow, the bristly beard also. Those letters that reminded me of the huge rhododendron blooms that crowded stunted shrubs. The Changu Lake in Sikkim, frozen and virginal white, where not a bird dared fly. I miss those handwritten letters. Letters in which you poured out your dreams and aspirations, sometimes as simple as the bullet motorcycle of your childhood yearning or the house in the hills you wanted with some apple trees in the backyard. I wish you had said peaches too, for I wanted peach trees too. Your letters came with unfailing regularity, bringing me a world of hopes and joys. They came with the tinkling of the weary postman's bicycle bell as he smilingly handed them to me across a rickety metal gate. No one writes them anymore. They write cheeky messages to me on WhatsApps, forwards that leave me rather busy. I miss the letters that you wrote in a stylish, cursive writing, the T's crossed decorously, the I's pointed painstakingly. I miss the letters that you wrote to me from icy slopes on high. Thank you. And this one goes out to all the venerable ladies who brought us up. Naniya, dadiya, puwa, vadiya, buzurg aurta. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੋਇਮ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੇਵੀਆਂ. ਯੂ ਨੋ ਸੇਵੀਆਂ, ਵਰਮਿਸੈਲੀ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਲਵਲੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਯੂ ਨੋ ਪੀਲਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਟੇਕਸ ਆਊਟ ਸੀਡਸ ਫਰੋਮ ਮੈਲਨਸ. ਕੋਈ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਟਦਾ ਨਹੀਂ. ਸੇਵੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਟੰਡਲ ਛਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਗੋਭੀ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਛਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ. ਇਟਸ ਫੋਰ ਦੋਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼. ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਦਿਸ ਅ ਬਿਗ ਹੈਂਡ. ਸੇਵੀਆਂ. She was not a typical wizened old lady. Instead, her frame was upright and elegant as she moved a tiny bowl of dough, atta,
Metta, between the thumb and forefinger of both her gnarled, wrinkly hands, till they were fashioned vaguely into awry strings. She sat on a wooden bed woven with jute ropes, a manji. Out in the sunshine, in the mellow winter sunshine, much head covered with a pale tinted cotton dupatta, as the mound of semia lying in front of her grew. The semia were shaped rather queerly, much thicker than the machine made ones, and definitely far shorter than the ones that come in packets. Some semia looked like elongated pods of garlic. Some were ivory-colored palettes, others like pearls that had been badgered and battered. It was very tiring work, I dare say, and back-breaking too. Kanton baithi hai Puaji, for Puaji, who was my father-in-law's sister, sat patiently, for hours on end, rolling the dough into strings like a vulture waiting for a prey. Yes, I know the image is incorrect, for Puaji was not like a vulture at all. She was a harmless lady. Not a flesh-eating carnivorous bird at all, but her dogged determination was exemplary. Anyone she loved would get a lovingly wrapped paper bag of her handiwork as a gift. Puttere semia lendi jai, puttere semia lendi jai, main kal hi vattiyan si. I would wait for my turn in the garrison town of Meerut, India, where she had migrated to after partition from what is now Pakistan. Precious cargo that I tenderly rested on my lap as we drove back in the car to the cantonment. I would roast the semia till brown and fragrant in a generous pat of clarified butter in a wok, the kadai, the aroma wafted up for so many lanes in the winter afternoons as I dunked them in sugar syrup. A generous sprinkling of nuts laced with thickened milk, and I knew I was smitten for life. As was the tradition, I would bend down to touch her feet. I'm sure you understand that her maternal blessings for a brother's daughter-in-law were never notched up with a bunch of semia. I would say, Teri Pena Puaji, I would mutter demurely, I cherish the handmade gift of love till as long as I live. Semia, Puaji niya semia. Thank you. Dear friends of poetry, we have some great stuff coming up. Oh yeah, there's Rippling Moonbeams. So Rippling Moonbeams, I was asked, why did you, you know, name it so? So you know the Rishma jadiyan hundiyan, chandiyan, rukh pe wo mahatab rakhte hain, mehtab, chanda ve teri chandni, tarya ve teri law, hai na, sas pya ve rotiyan te tara kare raso. So those चांदनी की किरणें जिनको रिश्मा कहते हैं पंजाबी में, जब वो थिरकती हैं पानियों पे, those are the rippling moon beams I'm talking about. Ladies and gentlemen, we have for you now something wonderful from the Sick Lens Publications Global. We know Sick Lens is doing a great lot of work across the seas, from where they hail in California, here in India, where Ojasvi is heading the India branch, and we have with us the people who are founders themselves, and we are going to be launching a wonderful book today. A book put together by love, love that is poured into each line, and we are going to be launching the book today. Let me have the honor to welcome on stage Sardarni Gurpreet Kaur ji. Please come up, ma'am. Yes. I also call upon Sardar Vicky Singh ji if he's here. Ojasvi Sharma, and we are going to be talking about Harinder Singh Ji's book. Harinder Singh Ji, please come up. The artwork and the cover throughout the book has been put together by the very famous Singh twins from United Kingdom. We welcome you, Harinder Singh Ji, to come all the way from United Kingdom with that very fascinating book. Sardar Vicky Singh Ji, a big hand, ladies and gentlemen. Ojasvi Sharma, India Head, Sick Lens, Sardarni Gurpreet Kaur Ji, and there in behind you on the screen is the book Jewels from Sikh Wisdom, A Journey of Discovery. This is the mega mega launch of this very fascinating book, ladies and gentlemen. We are proud that Sikh Lens is doing the honors in India. And Harinder Singh Ji is showcasing this book in the exhibition outside. I would request you all to take a look at this really spectacular creation.
the artwork too by the same team. Thank you very much. Please, sir, why don't you please come up and tell us all about this book? Wow. Lily ji, after your passionate performance, I don't know what to say. Oh, come on. I'm so honored that you have introduced me. And of course, Vicky Singh ji, who's always supported people who are coming up with creative ideas. Ojasvi, who is the India head over here. And so I was initially planning to speak extempore without any notes. But then my cousin, Lakinder, who's sitting up there, he said to me, because in January I turned 70, and he sent me a message saying, welcome to the Satre Batre Club. So you know, most Punjabis know what Satre Batre means. Those who don't know means that in English we might say you become a bit doolally and very forgetful as well. So I thought, oh my God, I'm 70 now. So I better make some notes, because otherwise I might be on stage and suddenly I forget, what the hell do I say? Okay, so without further ado, let me tell you about Jewels of Sikh Wisdom, a journey of discovery. Bringing Jewels of Sikh Wisdom, a journey of discovery, to the wider world has been a great blessing for me personally, and my gratitude goes out to the One Supreme Force for making me the instrument in this endeavor. From the seed of an idea in 2017 to conceptualize and coordinate this book has been an amazing journey of discovery, discovering the treasure trove of gems of wisdom from Guru Nanak Sahib. I get emotional at the Guru Granth Sahib, which incorporates the divinely revealed wisdom of our gurus, and not just our gurus, but also 26 Hindu and Muslim Bhagats and saints. From the time of conceptualizing this book, I had the good fortune to have blessings and support and advice from Bhai Sahib Mahinder Singh Ji of Nishkam Seva Trust, Birmingham, UK. The world-renowned twin sisters, the Singh twins, have produced thought-provoking, intricate, and superb artwork for this beautiful compilation. Last year, they informed me that Vicky Singh, CEO of Sikh Lens USA, had very kindly agreed to publish this book. This was fantastic news, because Sikh Lens is a philanthropic organization that organizes the world's only Sikh film festival in LA and around the world, and of course this magnificent red carpet film and art festival in Chandigarh, where they showcase Sikh-centric talent from around the world. Sikh Lens, as you probably know, works with artists in a variety of fields, including but not limited to movies, books, music, and art. It creates appropriate avenues for this work to be shared with the rest of the world, with the aim of getting more exposure for the presenters and at the same time creating awareness about Sikhs. Their involvement meant that we could concentrate on producing the book, and all arrangements for publishing, launching, etc. were taken care of by Sikh Lens. Having Sikh Lens on board relieved the burden of trying to find additional resources for printing. I would like to thank Vicky Singh Ji, who took us on board, and of course, Ojasvi Sharma, India head, who has so meticulously organized this event in Chandigarh for the third year running. This book has most certainly come about through divine grace. All I can say is that some supreme force was at work, and with very little effort, little miracles kept happening, culminating in this book of spiritual treasure trove. Great effort has been made to ensure that the translation and transcreation conveys to the readers the essence of the gems, and not a slavish translation, which quite often destroys the true message of the divine hymns. This book has been a great team effort, with major kudos to the twins Amrit and Ravindra Singh, as the artwork is the pivot around which the creative writing of Dr. Gupinder Kaur is like the pearls woven around the beautiful artwork. I consider myself to be fortunate for being like the conductor
not a symphony conductor, as that is the domain of the divine, but more like a conductor on a private bus, ensuring the right people are on board and ringing the bell from time to time to move forward in the project which was delayed by COVID and commission work that the twins had to complete. The opening jewel in Jewels from Sikh Wisdom is a celebration of Ik, the numeral for one. This expresses the eternal sovereignty of one infinite creator and affirms the existence of the all-pervading divine consciousness, whom we may call God. Undulating throughout the book is Guru Nanak's message of oneness of humanity and also a celebration of Naam, the creator's resonant presence and power, which the world's spiritual traditions have long conveyed through visual, musical, and lyrical art forms. As the Singh twins convey this power of Naam through their art, they remind us of the still point of peace and flourishing that comes by learning to harmonize with its rhythm, with its vibration, and with the melody of these of the Bani. Thirdly, the book celebrates the Sikh concept of Guru, the illuminating power of God's enlightening wisdom that was radiant within the 10 Gurus and emanates from the scriptural teachings, as we hear the term Gur Prasad in the Mool Mantra, the root prayer. It is a reminder that the entire body of teachings is the Prasad. The Prasad, the joyously given gift of blessings from the Guru. It is the wisdom they relayed and revealed to guide us on our journey of spiritual growth. I hope that all those who possess this beautiful book will take great pleasure and inspiration in delving into the priceless gems of Guru Nanak's legacy to humanity as inscribed in the Sikh scriptures, the Guru Granth Sahib. Thank you very much. Thank you very much, Harinderji, to tell us all about this magnificent piece of writing. May I now request Sir Nikki Singh Ji to kindly come up and tell us, they are the publishers of this outstanding book. Please tell us something about it. You know, this Siglens every year publishes a few books, and call came in from UK, and Siglens introduced me to Harinderji, and then, you know, we started working on this project, and Siglens is very excited, and we'll be launching this in London on May 14th and 15th, you know, and this book is going to be available on Siglens and here with Ujjayi Sharma, and you know, that's it. You know, so we're really excited for the book. Basically, it will be available everywhere. Thank you, ladies and gentlemen, for that wonderful introduction to this book. Thank you very much, Vicky Singh Ji, Gurpreet Kaur Ji, Leslie Harinderji. And now, ladies and gentlemen, we do know that we Sikhs are not all about just bhangra and saag and makki ki roti. There's so much more to us. We do know that out of the stories of valor and courage worldwide, along with the stories of seva, which we do without thinking, because we know our Guru has told us that avalala noor paya, kudrat ke sab bande, ek noor te sab jab kaun bhale ko mande. In that tradition, we also have some stories of that out of the freedom struggle in India. Out of the 121 people who were killed, 94 were Sikhs. And I'm talking of the Indian freedom struggle. I'm not talking of the world wars. There are numbers which will boggle our minds. So in that lineage, we have another story of valor. And I'm talking of Brigadier Kuldeep Singh Chandpuri, Mahavir Chakra, Vashishth Seva Medal. We are lucky to have with us today his son, Hardeep Singh Chandpuri. Please come up on stage, Hardeep.
And also with him is Sardar Ajit Singh Ahluwalia. They have, please a big hand, the gentlemen have just been through. They have so many platforms with this wonderful book, which was launched recently, and the book is called Against All Odds. It is the official biography of Brigadier Kuldeep Singh Chandpuri and the story of immense courage and leadership. This deserves Shaheedon ki chitaon par lagenge har baras mere vatan pe marne walon ka yahi baaki nishaan. You deserve those roses, Hardeep and Ajit. And may I now call upon Hardeep Singh Chandpuri to come and tell us about this wonderful book, Against All Odds, which lists the journey of courage by his revered father, who is special to all of us humans. Hardeep Singh Chandpuri and Ajit Singh Ahluwalia. Thank you, ma'am. First of all, I would like to thank Vicky Ji and Jasvi Ji. They gave us the opportunity to come. एक किताब जिमें थोड़ा पता है मेरे फादर साहब के बारे में वॉट इज सो डिफरेंट अबाउट द बुक एस की डिफरेंट है ये वो चीज़ा ने जिड़िया कि असं एज अ फैमिली ऑफिशियल बायोग्राफी है जी अभी किसी नहीं शेयर की इस बुक के बैटल वगैरह का पसंद है मूवी भी देखी उस तो अलावा इंटरनेट भी पढ़िया मैगजीन भी पढ़िया ए कुछ ऐसी इनफॉर्मेशन है कि जिन्होंने पढ़ के थोड़ा लगेगा कि काफ़ी सानू पता नहीं उस चीज़ के बारे प्लस ए फोटोग्राफ्स भी हो गए एज विच नीयरली 25 to 30 फोटोग्राफ्स है राइट फ्रॉम हिज यंग एज टिल द लास्ट जर्नी वो है बहुत वधिया तरीके लिखी है किताब गुरजोत सिंह कलेर ने उन्होंने पहली किताब न्यू इंडिया बहुत पॉपुलर हुई सी ते उन्होंने मैं जिम्मा दिता सी कि तुसी किताब लिखो उन्होंने मेरे फादर साहब नाल कॉन्टैक्ट रखा उन्होंने मिलते सके रेगुलरली उन्होंने तो सारी इनफॉर्मेशन लैके तो उन्होंने किताब लिखी है उम्मीद करता तुसी इस किताब को प्यार दोगे थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सब तो पहला मैं बहुत थैंक्स करता ऑर्गेनाइजर का जिन्होंने ये सानू मौका दिता जिथे आने का इस बुक को लॉन्च करने का असी मैं थोड़े ना एक इंसीडेंट शेयर करना चाहता असी 5 दिसंबर को जैसलमेर गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें पता ही है जो सैलीब्रेट किए 50 ईयर्स असी उ गए तो साढ़े ब्रिगेडियर साहब की उत्थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 फुट का एक पुत भी उत्थे लाया तो असी उत्थे जाके वो मूवमेंट जिहड़े सीगे लौंगेवाल बैटल दे उस मूवमेंट नूं उत्थे दी आर्मी ने टोटल क्रिएट किया 4-5 घंटे तक सेम तो उत्थे जाके सानूं महसूस होया कि ब्रिगेडियर साहब ने जो काम किया असी उन्होंने जिंदगी भर रणी रहांगे तो उन्होंने जोड़ा उत्थे जकारा छड़िया सारे ने बॉर्डर मूवी देखी होनी जिदे जकारा छड़िया गया तो उन्होंने कहा भी 120 बंदे नहीं है तो 2000+ की पूरी ब्रिगेड हैगी है तो असी जाके उत्थे वो मूवमेंट नू रीलिव किया तो मैं चाहना आप इतने भी जकारा छड़िए तो ताकि ब्रिगेडियर साहब की रूह जी हैगी है उन्होंने जो उपराला से किया शांति मिले बोले बहुत मेहरबानी जी साड़ी आज के गोद थिएटर की स्टेज पर इतना हो गई है एहो जिया शहीदा दिया गाथावां लिखते रहिए ते करते रहिए ते सुनते रहिए असी हुण मुड़दे हां जी मां बोली वल पंजाबी मां बोली जिहड़ी कि हुण मैनूं लगता है बहुत हौली हौली साडे कोलों कुस्ती जा रही है लुप्त होंदी जा रही है ते असी उहनूं समेट के रखना है असी उहनूं संभाल के रखना है मैं गल करांगी अज एक ऐसे शख्स की जिन्हें के लुप्त पंजाबी दियाँ जिहड़े लफ्ज़ हैं उन्होंने समेटने की कोशिश की है मेरी मुराद है जी जतन सलवान जी ने अज उन्होंने असी ठहर के बुलाने पहले उन्होंने पिक्चर देखांगे जिहड़ी उन्होंने बनी है जतन सलवान की किताब खूड़ी उत्ते ते मैं उन्होंने अर्पित कर रही हूँ अपनी कुछ लाइना जतिन जी जे तुहाडी इजाजत होवे ते फॉर यू आई हैव रिटन माँ बोली नूं भुलण वाले तू की कर्जा लावेंगा इज फॉर ऑल द पीपल हू हैव फॉरगॉटन द माँ बोली नूं भुलण वाले तू की कर्जा लावेंगा
चुन्नी लेके गांधी मां दी लोरी दी मिठी कूक दा मां बोली नु भुलन वाले डांडा तू पछतावेगा वाटर वाटर करदा तू कुट पानी नु तरस जावेगा मां बोली नु भुलन वाले मछली टिक्का गोखलू किथे तू सजावेगा मां बोली नु भुलन वाले दूध विच जलेबी पाके किवें फिर तू खावेगा किवें फिर तू खावेगा A big hand for the trailer launch of Puri. And we're going to talk about Puri after we see this trailer launch. It's a beautifully made film by our very own Ojasvi Sharma. And it's going to be telling us all about this absolutely fascinating book with a shabdavali, with its vocabulary of Punjabi. ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਤਿਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਥੋੜੀ Salmanji. Let's hear it from him live now. This is the man, and we saw the makings of his poetry, what all goes on into his mind. A shabd kosh, jada tusi pata nahi ki kis moke rakhya hoya hai, a shabdavali. Please, kis moke rakhya hai, please welcome and please read out some of those bahumulya shabds. Sab to pehla मैं सिख लैंस नू इस फेस्टिवल लई बहुत बहुत मुबारक देना तो मैं दुआ करना दे उनू पूरी कामयाबी मिले मैं शुक्रगुजार भी हाँ कि मैनू अपने शहर के लोगों नाल रूबरू होके अपने कुछ बोल सांझे करन दा मौका दिता और मैनू उम्मीद है कि लोगों नू ये पसंद भी आणगे इस तो पहला कि कोई गजलों का सिलसिला शुरू हो एक छोटी जी बेबसी मैं पेश करना कि जद तरकाली असमानी आथन दा तारा निकलिया जद तरकाली असमानी आथन दा तारा निकलिया सोच मेरी दी हिक विच भी एक बलदा अंगारा निकलिया सोच मेरी दी हिक विच भी एक बलदा अंगारा निकलिया आख देने सबो आख देने सबो के पांच तत्तां दी है देन माणी आख देने सबो के पांच तत्तां दी है देन माणी मैं देन जोड़ के वेख्या एक हंजू खारा निकलिया मैं देन जोड़ के वेख्या एक हंजू खारा निकलिया जद तरकाली असमानी आथन दा तारा निकलिया एक गजल पेश करना एक गजल है मैं पेशे तो वकील हाँ मेरे कोल कोई अपनी तकलीफ लेके आया तकलीफ की सी कि एयर इंडिया के जहाज में रात को उन्हें प्रॉपर कंबल नहीं मिले जिन्ना नाल उन्हें बहुत तकलीफ हुई वो उसके लिए मुकदमा करना चाहते थे मैं उन्होंने सलाह दी भी साड़ियाँ कचहरियाँ इन्नी सेंसिटिविटी नहीं है कि ताड़े रात के पाले के उत्ते ही तुहानू कोई हरजाना मिल जाए इसलिए इन्हें छेड़न की कोई लोड़ नहीं पर मैं वो जरा दर्द सी उस दर्द को बहुत अच्छी तरह दिल च ले आया तो मैं उस हादसे ते एक गजल लिखी जो मैं तेरी नज़र कर रहा ओ कौन है ओ कौन है जो तसल्लियां देंदे होए रो पिया ओ कौन है जो तसल्लियां देंदे होए रो पिया मेरे दिल दा सलाबा जिदे दीद्यों चो पिया वो कौन है वो कौन है जो इश्क मेरे दी रमज नू पछाणदा
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੱਟ ਦੀ ਰੜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੂਹ ਲਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੂਹ ਲਏ, ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਸਲ ਮੇਰੇ ਛੂ ਲਏ, ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਸਲ ਮੇਰੇ ਛੂ ਲਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਚਾਨਣੀ ਖੋ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਚਾਨਣੀ ਖੋ ਲਈ, ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋ ਲਈ, ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ, ਹਿਜਰੀ ਵੇੜੀ ਰੱਤਾ ਘੂ ਲੋ ਲਈ ਜੋਬਣ ਗੁੱਤ ਤੱਕ ਸਾੜਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਰਹੋ ਵੇੜੇ ਉਗੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ ਨਸ ਮੱਲਾਂ ਮੱਲ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ, ਯਾਦ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਦੀ, ਭਬੂਕੇ ਵਾਕਣ ਮੱਚਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਠਾਰਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਲਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਿਓ ਜੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਉਮਰੀ ਰੋਗ ਬਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਈ ਪੀਕ ਤਜਾਬੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਈ ਪੀਕ ਤਜਾਬੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ, ਖੌਰੇ ਕਦ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਬੀਬੀ ਆ ਵਸਲਾਂ ਦਾ ਚੀਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ ਫੱਟ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਂਡਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਂਡ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰੀਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ ਫੱਟ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਂਡਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਕਲਯੁਗੀ ਸ਼ੋਦੇ ਭੌਰ ਕਮੀਨੇ ਸੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆਪ ਤਬੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ
सच्चा जी मैं जान लिया कि गम राखा है खुशियां का। सज्जन जी मैं जान लिया कि गम राखा है खुशियां का, वरना क्यों बागां दे चार चुफेरे लोकी ठोरां लाउंदे ने। टू प्रोटेक्ट द गार्डन पीपल ऑलवेज ग्रो कैक्टस अराउंड देयर गार्डन्स। उस लिहाज से सज्जन जी मैं जान लिया कि गम राखा है खुशियां का, वरना क्यों बागां दे चार चुफेरे लोकी ठोरां लाउंदे ने। वसली कूंज लब्बण खातर सप्पां दे लीड़े लाउंदे ने। एक मिथ है पंजाब दे विच भी जो तुसी मॉर्निंग वॉक जां किते जांदे हो तुहानू किसे सप्प दी स्किन जिहनू कूंज पंजाबी च कहिंदे आ जे लभ जाए तो सारियां मुरादां जिहड़ियां जां तुसी जो सोचदे हो पूरी हुंदी है। उस सिलसिले नूं इहदे एक्सप्लेन कीता है कि वसली कूंज लब्बण खातर सप्पां दे लीड़े लाउंदे ने, नड़ोए दा पैंडा भरने पहलों मेरे हंजू पी के जांदे ने। इश्क दे शोदे यारां दी, इश्क दे शोदे यारां दी वसली खो कीकण मटावां मैं, हिजरी महफल ला के चंद्रे दिल मेरे नूं खांदे ने। नज़र लग गई है गीतां नूं जां बोल जां बोलां दी है औड़ पई, जां फिर मेरे ख्याल ही मेथों चंद्रे रुसदे जांदे ने। मत्ता अर्थ है पता करो खां अज किधरे, गो एंड फाइंड आउट। पता करो खां अज किधरे, मर जाना जतन ता नहीं मरिया। पता करो खां अज किधरे, मर जाना जतन ता नहीं मरिया, वरना क्यों शमशाना वालों लोकी हसदे आंदे ने। वरना क्यों शमशाना वालों लोकी हसदे आंदे ने, मेरे ख्यालां दे लोकी जद हिजर दे बागी आउंदे ने मेरी सार लैण नूं, उमरी रोग बन तुर जांदे ने। एक छोटी जी गजल होर सुनाना कि पोएट्री किस तरह ओरिजन हुंदी है। मैं कदे कोई सोच के नहीं लिखिया, मैं कदे पोएट्री लिखण दे लई टाइम नहीं लगाया। मैं चलते फिरते दो चार मिंटां जी गजल लिख लेना, लिखा तो एक दिन च छे भी लिख लेना, ना लिखा तो दो साल भी ना लिखा। सो इसलिए मैं जिहड़ी पोएट्री है उसनों कदे भी एज ए फिक्शन नहीं लिखिया, पोएट्री नूं दिलों लिखिया जो मेरे दिल च आया। ये किस तरह पोएट्री उतरी है। रीत तेरी ने सोच मेरी पैरों भारी कीती वे, पैरों भारी का मतलब होंदा प्रैगनेंट। रीत तेरी ने सोच मेरी पैरों भारी कीती वे, लगदा लगदा ऐतकी फिर जम्मणगे, लगदा ऐतकी फिर जम्मणगे गीत बड़े दुखियारे वे, लगदा ऐतकी फिर जम्मणगे गीत बड़े दुखियारे वे, दीद्यों तिलकिया खारा मुड़का गल ते पै कुरलावे वे, दीद्यों तिलकिया खारा मुड़का गल ते पै कुरलावे वे, जीकण ता मापण लग्या तंदूर भुब्बा मारे वे। कोसियां जातां दी तरेल लूनी, कोसियां जातां दी तरेल लूनी, तरेल लूनी आंसू दिल दी छपड़ी पर जावे वे, विच औड़ा अचनचेत ही गम दी हर डोडी खिड़ जावे वे। यारां महफल सद यारां दी, मैनू मेरे दोस्त जदों भी बुलांदे ने वो पोएट्री सुनने लई बुलांदे हैं, और मैनू पोएट्री दर्द भरी सुनानी पैंदी है। उसका मैं जिक्र कीता कि यारां महफल महफल सद यारां दी, साथों बिलख दे गीत गवाए वे, दुनिया दे दिल परचावे खातर असा दिल दे पड़छे लाए वे। दुनिया दे दिल परचावे खातर असा दिल दे पड़छे लाए वे, हथी फूके यारां नूं भी दिल मोया मनणो कतराए वे, हथी फूके यारां नूं भी दिल मोया मनणो कतराए वे, त्रबक उठ बै अद्धी राती मुर्दे हेकां ला बुलावे वे। ये फूड़ी दे नाल रिलेटेड है, एक वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द शेयर विच इज रिलेटेड विद द टाइटल ऑफ द बुक।
फूड़ी पाई जद शब्दां ने। पहले मैं दसा भी फूड़ी का मतलब क्यों होता है, शायद बहुत सारे फूड़ी का मतलब मैं पूछ नहीं वाली सा क्योंकि सारे जने मैंने पूछ रहे सर। फूड़ी दसो, फूड़ी एक पंजाब के सभ्याचार नाल रिलेटेड वर्ड है। ये वर्ड उस वक्त नूं परसोनीफाई करता है जदों पीड़ा सांझियां होंदियां सन, दर्द सांझे होंदे सन, एक दूजे के दर्द दे विच लोग शामिल होंदे सी। जदों कि पिंड च कोई मर्ग हो जानी तो कदे भी कोई ये नहीं सी कहिंदा भी फलाने सिंह दा जां फलाने दा मुंडा मरिया, वो यही कहिंदे सी भी एक पिंड च जवान मर्ग हो गई है, एक पिंड च मर्ग हुई है। वो जिहड़ी मर्ग होंदी सी उहनूं लोग पिंड सारा ही अफसोस करन आंदा सी। 16-17 दिन 18 दिन वो घर च चुल्हा नहीं सी तपदा, हर घरों वक्खो वक्खरे घरों रोज़ रोटी आती, तो लोग बाहर घर के सोफे विच जां बैठक विच जां बाहर गली विच एक दरी बिछा के बैठते। वो दरी के उत्ते कोई ना कोई आके भी ताकि गल्लां करते रहो, इन्हां दा गम जिहड़ा दर्द कटे। जिहड़ी वह दरी के उत्ते आके लोगों की बैठियां की महफल हुंदी सी उस महफल नूं फूड़ी कहिंदे आ। उसनों फूड़ी कहते हैं। हुण ये फूड़ी पाई जद शब्दां ने, जदों वर्ड्स बैठ गए दरी दे उते, रोंदे वाग नड़ोए आए वे, अफसोस करन लई सेंटेंसेस दे हैव कम फॉर शेयरिंग देयर ग्रीफ। फूड़ी पाई जद शब्दां ने, रोंदे वाग नड़ोए आए वे, पीड़ा दे गल लग उच्ची उच्ची वैन गीता ने पाए। वैन होंगे जो लोग मिलकर रोंदे हैं गाते हैं उन्होंने वैन कहते। फूड़ी पाई जद शब्दा ने, रोंदे वाक नड़ोए आए वे, पीड़ा दे गल लग उच्ची उच्ची वैन गीता ने पाए वे, वैन गीता ने पाए वे, रीझ तेरी ने सोच मेरी पैरों भारी कीती वे, लगदा ऐतकी फिर जमणगे गीत बड़े दुखियारे, लगता है ऐतकी फिर जमनगे गीत बड़े दुखियारे। बहुत बहुत मेहरबानी करना दो कदम बैठे। निहायत ही शानदार लाजवाब करने वाली कविता सी जी थी जतिन जी। सारे मैं दसता ऑडियंस में कि जतिन जी नामवार वकील भी है। वकीलों के दिल में एक कवि का दिल बसया होया है और इन्हों की वाइफ चंगी तरह जानती है कितने वसया होया है। सो तुहानू एक चीज़ पूछनी सी जतिन जी, जे तुसी सानू दसो कि तुहाडी कविता दे विच दुख है, उदासी है, उड़ीक है, ज़्यादातर ना ही फूड़ी है पहले तो है ना, इट्स मेलंकली नेम, बट जिहड़ी है उदासी है कौन है जिहदे वास्ते है? देखो हाँ जी, जिहड़ी उदासी है हाँ जी बड़ा एक कंडियाला सवाल किया, माफी चाहनी जी पर दसना पड़ा जेड़ा बिल्कुल ये उड़ीक जेड़ी है, ये उड़ीक इंसान के जमन तो लैके मरण तक नाल ही पैंदा पर। सही गल है। मैं इस किताब के शुरू च एक शेर आता है जी के जतिन नूं लांबू लाणो पहलो, जतिन नूं लांबू लाणो पहलो रता उसनू भी उड़ीक लवो। जतिन नूं लांबू लाणो पहलो रता उसनू भी उड़ीक लवो, मरण लग्या कहिंदा सी अज उसका इंतजार है। ओए होए बहुत आला जी, मरण लग्या कहिंदा सी उसका अज इंतजार है। बहुत खूब जी। ये जिहड़ी उड़ीक है इहदे नाल ही जाए जी। दूजी गल ये है भी जिस दिन उड़ीक खत्म हो गई हाँ जी उदन मैं नहीं रहा। उड़ीक गई उस दिन मैं भी गया, तो मैनू ये नहीं पता भी किसकी उड़ीक है। जे मैं बिल्कुल फॉर्मल कोई बंदा नहीं, कोई नेचर कोई बंधी हुई नेचर नहीं, जे मैनू पता होंदा कि मैनू फलाने बंदे की उड़ीक है रौला ला दी मैं जाके आपे मिलना। जरूर आप किताबा और डायरिया कालिया कर जाके मिल लें, पर मैनू ये पता ही नहीं है भी किसकी उड़ीक है। पर जिहड़ी उड़ीक है वो एक जिंदगी जीन का सबब है। क्या बात, क्या बात, बड़ी वड्डी गल कीती है जी। तुहाडे वास्ते तो ओही गल होई ना भी दो पत्थर अनारां दे साडी गलिया सोहणी है दुख कटन बीमारां दे।
तड़के ठंड दे विच गांदे है, इन्हां नूं भी उड़ीक होएगी। तो मैं एक गजल है नहीं सुनावांगा, जवाब दिता है। और मैं कहना चाहनी कि साडे सारयां वास्ते एक बहुत वड्डा धरोहर है, ये तुसी साडे वास्ते जिहड़ी किताब लिखी है ऐसी सानू बहुत नहीं साडे वास्ते बड़ी बेहतरीन एक नजराना है, जिहड़े जे साडे बच्चे पढ़न तो उन्होंने समझ आए कि यह भी कोई शब्द होंगे सन। मैं यह दसो भी ये जी मूवी का ख्याल थानू किवें आया, जो ओजस्वी ने बनाया, तो ओजस्वी को बुला लें। ओजस्वी शर्मा, मे प्लीज कॉल अपॉन यू टू कम एंड टेल अस हाउ एंड व्हाई दिस फिल्म केम अबाउट। We'd like to honor for beautiful big hand for this wonderful author, ladies and gentlemen, Jagat Sarwan, the author of Kodi. सवाल तुहाडे तों सी पिक्चर क्यों बनाई सी? देखो किताब 21 जनवरी नूं रिलीज होनी सी। अच्छा, साडे चीफ गेस्ट और बहुत सारे जिहड़े उसदे विच मेन बंदे सी उन्होंने कोविड हो गया, उस करके किताब नूं पोस्टपोन करना पिया जी। रिलीज जिहड़ी है फिर वो 12 फरवरी ते चली गई। उस दौरान ओजस्वी नूं मेरी इंट्रोडक्शन बारे कोई आइडिया आया। अच्छा जी। और ये ओजस्वी का एक थॉट सी जी कि इस तरह 5 मिनट का ट्रेलर बनाया जाए, टीजर सॉर्ट ऑफ जिहड़ा मैनू इंट्रोड्यूस करे। उस दे लई ओजस्वी ने 10-15 दिन पहले जिहड़ियां विच 2 छोटियां छोटियां बेवसियां है इन्हां नूं रिकॉर्ड कीता। फिर ओजस्वी ने ही अपनी मेहनत दे नाल एक लोकेशन लभी जी, और बाकी जिहड़ा रिजल्ट है उहदा दिसदा बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत जगह है जी, लोकेशन बहुत खूबसूरत है। एंड यू हैव एन आउटस्टैंडिंग करियर, सारा क्रेडिट जिहड़ा उह जसवीर ने। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जसवीर फॉर दैट वंडरफुल फिल्म। एंड आई थिंक यू गिवन जतिन जी एन ऑल्टरनेट करियर चॉइस, फिल्मा विच भी रोल मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, अ बिग हैंड। थैंक यू, थैंक यू। Upon Dr. Kamal Sandhu, who has come all the way from California to be with us, and she is exhibiting something outside, and I would like her to tell us about it instead of me first speaking. A big hand for you, Kamal Sandhu. Again, she already introduced my name. मैं दोनों चीज़ें पंजाबी ते इंग्लिश दोनों च बोलने की कोशिश करूँगी. First of all, thank you to Vicky Singh. Our paths crossed for a reason, I feel. Sikh Lens ne mainu a platform ditta ithe aan da, te jo kai vari apne dimag ch gallan hundiyan ohdi apne stories banande rehne aa execute karan layi, it's a process, and oh process le I felt Vicky Singh ne mera, he held my hand, and I really appreciate that. I have used context from 1971 more. Te main collaborate kita hai ka a very well known artist, unna da naam hai Daniel Connell, Australia based. Unhone bahut sariya portraits banaiya, sikh portraits, te unna naal milke fir main eh story jehdi hai ya create kiti ha. So how I feel, it's an untold story of women's role after the soldier is gone, or
in different ways there are martyrs kivein hunda par battle de vich jive jande aa ta vapas nahi aunde ta picho the woman what she goes through ta tusi pata nahi utthe baar mere display ch dekhyo je utthe books rakhiyan hoyan hai basically it shows the values that Sikhism that teaches us ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ female medal jide base te oh apni life kat diya so main thing is what I'm trying to say is I'm trying to inspire many others all of us we have a hidden warrior within ourselves and we miss that part and everybody has battles different battles in life oh juri nahi hunda ki tusi jang ch jaake hi battle ladna hai par ek apne ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਟਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਇਨਰ ਵੋਰੀਅਰ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਇਟਸ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਟ ਮੇਡ ਮੀ ਫੀਲ ਕਿ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੀਡੀਅਮ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ passion hega to connect with people with lot of creative minds so main ode karke utthe niche mere display te naam main utthe book vi rakhi hoyi aa leave your information anybody is interested minusha na time lagya hoye gal karan layi aa apni story utthe dassan layi so please leave your information I would love to connect and maybe who knows ki baad ch apa more stories ata diyan create kar sakiye te aur future generations nu inspire kar sakiye so again thank you Vicky Singh one more time and thank you to everyone thank you Dr. Kamal Sanjeevi and students would like to you know recognize your wonderful initiative may I call upon a Jaswi please to come and recognize the ladies tremendous work a big hand for Dr. Kamal Sanjeevi all the way from California thank you for your exhibition and your effort thank you very much Hello everyone, Sashikal, good afternoon. It's so good to be here among all of you amazing fellow Punjabis, fellow Sikhs from around the world. Yes. It's actually an honor. Asi itthe kai vari sochde rehnde ki asi so we are from tech background, he's a creative designer, he has amazing skills in creativity and designs graphics. I am more of a techie person, I know how businesses around tech work. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕ 'ਚ ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੂ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਬਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਦਿਸ ਟੂਡੇ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਫਲੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਵੋਇਸਿਸ ਆਈ ਐਮ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਸੋ I would also like to welcome you all to the startup we have. We are just exhibiting outside here. Bari sada stall hai. This is a smart business card that we have developed. It's a new technology, NFC based smart business card. We don't need to carry visiting cards anymore and waste a lot of paper and waste a lot of efforts. You just tap this smart business card to some NFC enabled phone or just scan the QR code and you are through. All the information of your business card will be visible on that smartphone.
So that's how we are trying to digitize the smart business card in our team. That's how we are connecting with everyone. And thank you so much for the PNP. Thank you, Siklens, for having us here today. And I would love to interact with you all if you have a time. We'll be here for another 30-40 minutes and would love to see you all here. Thank you so much. And I really appreciate Ojasvi's efforts, because I've been working closely with Ojasvi from last couple of years, more than a couple of years actually, and he's done a lot. I've seen him grow, and I wish him all the best. I wish you all. Thank you. A little token of our appreciation from Siklens. Thank you for sharing your startup initiative with us. A big round of applause for these very bright gentlemen. Thank you, Param, and thank you, IITAPET. Keep inspiring the younger generation, I would say. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to request Sadan Mohan Singh Ji to come up on stage and tell us about his initiative. You know the books which you saw outside in the exhibition, there's a certain stall which he's manning, which has books on Sikhism. He's going to tell us about the connect of Sikhism and books. Sadan Mohan Singh Ji, Jai. Mere Sahiban da farman hai, koi bole Ram Ram, koi khudai, koi sevi gusaiyan, koi alahe, karan karan kareem, kirpa tarve. ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। 87 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ 12 ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੋਤ ਪੁੰਨ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਰਮਾ, ਇਹ 12 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ 11 ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਕਹਿ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਰਾ ਪਾਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਵਿਤ ਸਵੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਵੀਰ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਥਿਕ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ।
सोशल इकनोमिक पोलिटिकल साइंटिफिक रिलीजियस ये ही सारी जिंदगी गुजरती है। इन पंजां नूं ही सही जानकारी दुनिया को केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही दे सकते हैं। इस ते दास दा पूरा लैक्चर है कि किवें दिंदे ने ते इस तो अगे इहदे विचों एक लाइन मैं आप जी नाल सांझी करदा कि असीं किसी नूं भी मिलदे हां जिंदगी दे विच किसी नूं भी मिलदे हां साडियां तीन चीज़ां होंदियां ने साडे सवाल दा जवाब देवे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਦ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ, ਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਂਸ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫੋਰ ਅਬਾਊਟ 2 hours। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲੇਲੀ ਸਵਰਨ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ਾਲ ਮੀਟ ਯੂ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ 2 hours ਐਟ 5 o'clock ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਫਿਲਮ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਤਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਫਿਲਮ ਸੈਸ਼ਨ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਸ ਫਿਲਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਆਫਰਡ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਦੇ ਹੈਵ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਰਿਸੀਵਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ 8 countries ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, UK, ਫਰਾਂਸ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ। For going on and let's we begin the screening, I would request you all to please put your phones on silent mode and please do not record when the film is being played. For me, God bless. Let's go ahead to something very exciting now. You know about Gal-
Gatka? Yes, the Gatka that you saw in the film Rang De Basanti, the Gatka that you see on television during Baisakhi Da Mela in Anandpur Sahib. Yes, Gatka is a martial art primarily associated with the Sikhs of Punjab, a style of fighting with wooden sticks intended to simulate swords. It originated in the 15th century, a revival in the 20th century. Very interesting technique hai jehdi sade Sikh guruan ne ek tradition de taur te sanu sikhani shuru kiti si 15th century vich. ते तुसी वेखते हो कि उस्ताद अखाड़िया विच इनू अगे लेके जा रहे हैं उस्तादा ने इनू संभाल के रखे है संजो के रखे है इस विरसे नू इहदी ट्रेनिंग हुंदी है बकायदा अखाड़िया विच ते उस्ताद ते गुरु इन्हां नू सांभ के रखते हैं सो ऑफ कोर्स वी नो इट इज एक्चुअली गतका इज अ मार्शल आर्ट इंटेंडेड टू यू नो प्रोटेक्ट धर्म धर्म एक्चुअली मीन्स राइटियसनेस मेरी ते पीरी दी गल भी हुंदी है वी आर टॉकिंग ऑफ द स्पिरिट एंड द बॉडी सो इट इंटेल्स अ लॉट अज साडे कोल आ रहे बहुत शानदार शहीद बाबा दीप सिंह जी दे अखाड़े तो गतका लेके अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज वंडरफुल परफॉर्मर्स Thank you.
Thank you.
ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲੀ ਉਹ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ Yeah.
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਸ। Now on two
ਨੌ ਮੈਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਈ ਰੈਸਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਲੈਣੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਗੇਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਸਿੱਖ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ Prince Bhatia ji is 51 years old and you can look at Paji Kwari just what is Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fateh mera naam Prince Bhatia hai sab to pehla to main Sikh Lens nu dhanwad karna chahunga sanu ehda vadiya platform de layi ye main 30 saal ho gaye bodybuilding ch chakka ji te bachpan ch na mera naam machhar paya si lokan ne te main उन्होंने कहा मैं कहा मेरा एक्शन हो जाएगा तो मेरे वर्ड नहीं हो रही है मैं 2018 च मिस्टर वर्ल्ड भी बनया इंडिया भी गया मैं नॉर्थ इंडिया मिस्टर दिल्ली 6 बार रहा मैं तो मैं आर्म रैसलिंग करता रहा 7 नैशनल गोल्ड है मेरे को आर्म रैसलिंग की मैं आर्म रैसलिंग इनवाइट किया इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी मैं बहुत धन्यवाद करता जी सिक्स इतने बुलाने लिया मान बख्शे इन्होंने मैं बहुत लंबे समय तो रोलिंग स्टोन एंटरटेनमेंट न जुड़िया हुआ जी तो मेरा अपना एक इन्हों शो भी आता है बाय द नेम ऑफ फिट रहो मस्त रहो तो सून असी बॉडी बिल्डिंग के उपर मूवी भी लैके आवेंगे बहुत जल्दी तो गल करिए बॉडी बिल्डिंग की तो मैं मिस्टर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन है जी तो मिस्टर चंडीगढ़ भी रह चुकी हूँ मिस्टर पठानकोट कपूरथला पंजाब बहुत सैवरल टाइटल्स तो बस थैंक यू सो मच तुम सारे ने इन्ना हौसला अफजाई की साड़ी तो थैंक यू सो मच राहुल जी हेलो थैंक यू सिक्लेंस को उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आज ये मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ और मैंने अभी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही किया है तो थैंक यू ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया है तो बताओ कैसे स्टार्ट किया है स्टार्टिंग देखिए त्रिपत भाई मोर एनर्जी है बहुत है वो एग्जिट भी है सर दिखाओ फोन एग्जिट क्या है फ्रॉग जंप
और आज बच्चा ने कमाल किया जी। गतके वाले ने ते हाथी कर छड़ी वो देख के ते लगता है कि वो निके निके चार साल दे बच्चे उन्होंने मेंटली इन्ना ट्रेन किया है कि वो एक बारी भी उन्होंने कोई गलती नहीं की। और ऐसा जोश एक खास पंजाबियों का जोश मनना पाएगा कि साड़ी कौम दे विच जोश की तो कोई कमी नहीं है, पर कई बारी नज़र नहीं आता। इनू नज़र आने वास्ते यह कोशिशा जड़िया हो रही ने यह बहुत अच्छी गल है। मैं बहुत खुशी आज बहुत मेहरबानी जी, बहुत धन्यवाद सारे। मैं दस देव कि मैम ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिदा नाम भी उन्ना ही खूबसूरत है, वगदे पानिया दा संगीत। वो बार एग्जीबिशन में सू नज़र आएगी। आप जी बहुत मुबारक है जी, डॉली गुलेरिया जी। आई एम श्योर इट्स वर्थ रीड, इट मस्ट बी होल्डिंग सम वंडरफुल सीक्रेट्स नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक बट अबाउट द लेडी हरसेल्फ। वगदे पानिया दा संगीत मेरी एक छोटी जी किरत है जो मैं अपनी माँ के जान के बाद उन्हें बहुत याद करती सी। यादों के कुछ दिल के जज्बात पेश किए। सो एक छोटी जी मेरी जिंदगी की कहानी है जो बहुत ही मेरी माँ के नाल रिलेटिड है। तुसी सारे जानते हो कि वह तो हर साह मैं याद आती है तो उन्हें भुलना तो बड़ा मुश्किल काम है। जिन्हें लोग भी मैं मिलते ने वो माँ के फैंस बहुते मिलते हैं। मैं हमेशा माँ की बेटी ही अखवानी हूँ। सो उस माँ की यादों के एक निकी जी कोशिश की है, पर ट्रैजडी यह हुई कि वह मैं पंजाबी विच लिखी सी और पंजाबी पढ़न वाले बच्चे जी घट रह गए जी। जी बिल्कुल पंजाबी ही नहीं पढ़ते। सो मैं कहा गया कि यह किताब न अंग्रेजी विच लिखो या हिंदी विच लिखो। दुख तो लग्या क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके पंजाबी दे विचों किताब लिखी सी। फिर मेरे बच्चे ने कहा कि मैं उसकी ऑडियो बुक बनवाई, मैं ऑडियो बुक भी उसकी बनाई है। सो जिहड़े मित्र प्यारे जिन्हां नूं पंजाबी पढ़नी नहीं आती वो कम से कम मेरी कहानी सुन के लै। बिल्कुल वगदे पानिया का संगीत जो किताब है उसका टाइटल जिहड़ा है वह मेरे वास्ते एक बहुत डूंगा मतलब रखता है क्योंकि माँ का संगीत जिहड़ा है वह एक वगदे पानिया वर्ग है जिहड़ा पानी तुरदा ही जाता है और कभी खत्म नहीं होता। वाटरफॉल जिन्हों अंग्रेजी विच कहते हैं वो संगीत जिहड़ा है वह मेरा जी करता है कि वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वगदा ही जाए, माँ का संगीत कभी खत्म ना हो। सो वगदे पानिया का संगीत का टाइटल यह सी जी। बाकी तेरा गीत मेरा गीत तो मैं सुनना ही है, सारे की फरमाइशा हो जो 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 सुनना चाहता है वो हाथ खड़े कर दे, मैं सुनैनी को सिफारिश कर देनी है। ठीक है क्या कि मैं तो किताब दिखाने वास्ते हूँ नहीं वाली गल है जी शरारत स्वर कोकिला स्वयं साडे स्टेज ते होवे ते असीं किवें ना गुजारिश करिए इल्तिजा करिए हाथ बन के नतमस्तक भी होण नूं तैयार आ मैम क्योंकि सांस ते कोई नहीं है मैं एवें थोड़े जिहे दो लाइनां गा। बहुत मेहरबानी जी बहुत मेहरबानी। लंघ आ जा पतन चना दा ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा, सिर सदका मैं जावा तेरे नाल दा ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा। मेरे काग बने रे उत्ते बोलिया, मेरा तत्तड़ी दा जूड़ा डोलिया ओ यार, वे मैं मंदड़ा बोल ना बोलिया, वे मैं मंदड़ा बोल ना बोल आओ यार, लंग आ जा पत्तर चना दा। वाह वाह मेरे काग बने रे उते बोलिया, मेरे काग बने रे उते बोलिया, मेरा तत्तड़ी ना जूड़ा मंदड़ा बोल न बोलिया, वे मैं मंदड़ा बोल न बोलिया ओ यार, लंघ आ जा पतन चना।
genetically blessed hunda banda the throat carries on from generation to generation bible deep baithe hai samne bible ji sangeet de pahunchi hui hasti hai raag bageshwari de vich ek vaar bade saal pehla california to toda phone aaya si ke dali ji lang aa ja patan chana kede raag ch hai ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਬਲ ਦੀਪ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਨੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਉਹ ਓਨੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਹੈ ਸਾਈਬਲ ਦੀਪ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਅ ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਕਾਲਿੰਗ ਔਨ ਸੁਨੈਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਟਰ ਆਫ ਰਾਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਆਫ ਦ ਮਾਈਟੀ Masters in English Literature and MBA in HR, but she has a wonderful title. You know what she does? She's an ethnomusicologist. Kadi suneya tusi? She is doing a research on the ethnomusic of Sandha Punjab. Isn't that absolutely fascinating? The ethnomusic of Sandha Punjab. And now, if you allow me, I am going to say three lines which I discovered, written by Guru Bhajan Gill for this family. Je ijazat hove, ma'am. Please. Dolly ji. Tenu bolno koi chup kara sakta. Nahi, main juram nahi karangi ji. Saraswati kardiyan jamiyan. सरस्वती कर तियां जमियां सरस्वती कर तियां जमियां तीन दरिया बन वईयां मात सुरिंदर ती डॉली ते सुगड़ सुनैनी जया चौथा लाइन मैं भूल गई हां ते पर सुगड़ सुनैनी ते आ गई हां वार्म वेलकम टू यू सुनैनी शर्मा थैंक यू सो मच सारिया नु बहुत ही निजा प्यार प्लीज वेलकम हर विद लॉट ऑफ क्लैप्स प्लीज साडे विच से जी सुभारे म्यूजिकोलॉजिस्ट मैं ना भारा जहा जिहड़ा सिलेक्ट किया है वह मेरी परसनैलिटी के नाल शायद मैच करता है ते ता मैं सिलेक्ट किया है इस फील्ड ऑफ रिसर्च नू ते मेरे अगे आर्काइविस्ट बैठे ने ते मैं आई डिराइव माई इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू ते मम्मा जो अपनी ता उम्र काम करते रहे ने ते जेड़ा नानी माँ ते मेरी नानी मासी सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर ने अपनी जिंदगी जेड़ा साडे सांझे पंजाब दे गीत सांझे पंजाब दे रीत रिवायतां नूं साडे सभ्याचार नूं उहदी इन्नी बाखूबी पेशकारी कीती है मैनूं लगदा है कि जे असी उस विरसे दीआं गल्लां नूं आर्काइव ना कर सके उहनां नूं संभाल के उहनां नूं कंजर्व ना कर सके ते साडा जीवन जिहड़ा है वह सफल नहीं हो सकता सो यह चीज़ जिहड़ी हैगी है मैं आई हैव टेकन इट अप ऑन माई सैल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एज मैनी फ्रेंड्स एज आई कैन चढ़ते लेंदे पासे तो मैं सारियां कोलों उम्मीद है कि असी अपने पंजाब के विरसे इनू संभाल के रखन दे विच असी बजुर्गों तो जवानों तो बच्चों तो सारिया तो ये शिरकत पावे तो इस मुहिम जोड़ा है इनू अगे तोरेंगे तो ये कामयाबी हासिल करा All of you, please do help out with whatever interesting things you have to Sunaini Sharma. मामा ते तिया रल बैठिया नी माए को
So it's, you know, it's a very choking feeling to be singing with my mother and balkar baithe ne oh kai kai chehre aise nazar aa rahe ne jinna ne bada bada kaam kita hai eho ja kaam karde hi rahiye apni zindagi tak jadon tak june aa kuch na kuch changa karke jao. Thank you so much. Thank you. Yes, Sneni. But do you all know Sneni came all the way back from America to do the wonderful work that she is doing? She is to be congratulated in a big round of applause. And please tell me what you want to listen to. Haan sachi dassan ke main aap hairan sa ke angrezi pad ke te America ja ke te bilkul ik vakhra ja shakhs shakhsiyat ban jayegi par mainu bahut khushi hai ke eh wapas aake te apne virse de naal judi hai aur is tradition nu carry on kar rahi hai. Mainu bahut khushi hai is cheez di. शाबाश रानी बाद में पानी सारे ने सामने कह रही है. पंजाबी डे है. हाँ जी. सो रस्ते दे विच मैं अपने घरों जब मम्मा दे घर तक आ रही सा ते जस्ट वांटेड टू पेन अ फ्यू लाइंस ते ओ मेरी बहुत ही सहज जी एक कोशिश है कि जरूर जी प्लीज जरूर करना इरशाद मम्मा. इवन यू हैवंट हर्ड दिस वन. चुप दी गंठ नू खोल पंजाबी बोल पंजाबी. चुप दी गंठ नू खोल पंजाबी बोल पंजाबी. अपना आप फरोल पंजाबी बोल पंजाबी. बाहू बुल्ला नानक वारिस सब ने तेरे. बाहू बुल्ला नानक वारिस सब ने तेरे. की नहीं तेरे कोल पंजाबी बोल पंजाबी. किन्नी वारी इको गल समझाई तेनू. ए मम्मा कह रही किन्नी वारी इको गल समझाई तेनू. बाला दे नाल बोल पंजाबी बोल पंजाबी. बात को ओबड़ बोली तेरी बोली नहीं है कसमे. हो ना डावा डोल पंजाबी बोल पंजाबी. मां बोली दी शान उचेरी. मां बोली दी शान उचेरी करवे बीबा. रब दी सौं अनमोल पंजाबी बोल पंजाबी. होके भर दी हाड़े कर दी. होके भर दी हाड़े कर दी कमली नैनी. तेनू मंगे कोल पंजाबी बोल पंजाबी. जे तू चाहना है तेरा विरसा उमरा रह जावे. जे तू चाहना है तेरा विरसा उमरा रह जावे. हर थां है वे कोल पंजाबी बोल पंजाबी. मैंने भी सरप्राइज दिता. सो भावें एम ए इंग्लिश की हुई है पर अमेरिका बैठे हुए मैं कहती हूँ सा यू कैन टेक अ गर्ल आउट ऑफ पंजाब बट यू कैंट टेक पंजाब आउट ऑफ द गर्ल. सो मेरे दिल के विच मेरे रूह के विच मेरे खून के हर कतरे के विच मेरा पंजाब वसदा है ते मैं जिनी देर सह लवानगी उदों तक अपने सांझे पंजाब वास्ते. गुरु अंगद बनाइए सारे.
जी गुरु अंगद बनाइए नानक वारिस शाह बुल्ले वारिस शाह फरीद अपनाइए बुल्ले वारिस शाह फरीद अपनाइए चढ़ी होई रंगत चढ़ी होई रंगत तेनू नानक दी रबाब दी चढ़ी होई रंगत चढ़ी होई रंगत तेनू नानक दी रबाब दी मिठी मिठी सोनी सोनी मिठी मिठी सोनी सोनी बोली है पंजाब दी मिठी मिठी सोनी सोनी बोली है पंजाब दी बोली है पंजाब दी बोली है पंजाब दी वाह वाह एक सवाल जे मैं अलाउ करन दे दिस गोज आउट टू बोथ ऑफ यू लवली लेडीज मैं सोचती हूँ कि तुहाडे विचार नाल साडे विरसे दी सांभ किवें हो सकती है पहले डॉली जी ते फिर सुनैनी जी सब तो पहला तो यही है कि अपने बच्चों नूं अपने घरां दे विच पंजाबी बोली बोलना सिखाओ जी अपने विरसे दे जिन्ने रीतां रवायतां ने उहनां नूं कायम रखो अपना पहरावा अपनी बोली अपना खाना पीना ये सारिया चीज़ा बच्चों घरों सिखाई जाती ने यह बाहरों स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता यह माँ घरों ही सिखाती सो मावं का बड़ा वड्डा एक जिम्मेवारी बनती है कि पंजाबी जिंदा रखने वास्ते घर तो पंजाबी शुरू करो मेरा जवाब बहुत ही सादा ते सिंपल है ते नानिमा दी लैंग्वेज दे विच नानिमा दे एक बड़ा ही सिंपल तरीका हुंदा सी हर चीज़ समझान दा वो कहंदे हुंदे सन कि खाना पाना ते गाना ऐ साडी पंजाबी रिवायती चीज़ां जिहड़ियां ने साडा खान पान साडा पहरावा ते साडी कलाकारी जिहड़ी हैगे ने यू नो ऑल आवर फोक सोंग्स our music our culture everything comes together when we are collaborating these three things you know so I'm also alerting all the fashion designers and all the chefs and the Michelin star chefs and everybody that you know we feel so proud when somebody like a Vikas Khanna has a restaurant in Manhattan and he's you know telling the entire world ki unne apni दादी कोलों खाना बनाना सीखा है अज वो मिचलिन स्टार शेफ है तो सारी दुनिया वो कोलों पकवान बने खाती है सो यस यस सरोदा साहब जी वाइट हाउस खा सकते हैं सो माई आइडिया इज दैट वाई शुड वी एप द वेस्ट वाई नॉट लेट द 7 billion पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्पीक पंजाबी Three cheers for that, Suneri Sharma. Thank you. Request you to stay on. मैं रिक्वेस्ट करांगी जी हम त्रिलोचन सिंह जी नू एक्स मिनिस्टर माइनॉरिटीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ऑफ साडे विचों प्लीज स्टेज ते आन टू ऑनर दीज लवली लेडीज आई ऑलसो कॉल अपॉन सरदार विकी सिंह जी फाउंडर सिकलेंस सरदारनी गुरप्रीत कौर जी यस प्लीज मैम एंड ऑलसो ओजस्वी शर्मा इंडिया हैड सिकलेंस साडे वड्डे पागे जी अज इन शख्सियत स्टेज ते आए नानी माँ तो नानी मासी में याद करने वाली सुनैनी अमृतसर के पापड़ गाने वाली डॉली गुलेरिया तू करेला आप करिए मैं सेंटी मैम अमृतसर के पापड़ कई बार जो समागम का सोचते हैं कही कि देखो मैं तो वैसे चंडीगढ़ आया तो पता लग गया विकी जी आए मेरा दोस्त है भविंदर इन्हें कहा जरूर आओ बड़े साल ये जो सेवा कर रहे हैं आई थिंक समटाइम वी फील कि बाहर जाके शायद बंदे नू अपने वतन और कौम ले ज़्यादा उत्साह बने एंड इन्हां दे साथी और सारे मैं हर साल एक कैलेंडर भेजते मैं तो हैरान होता भाई हाउ ही इंस्पायर एवरीबॉडी के इनू किवें कितों लभदे फोटोग्राफर की करके एंड इट इज सच ए गुड पोजिशन जिनू ये आता है तो आई ऑलवेज ट्राई दी पहली बार अज नाल मुलाकात हुई टैलीफोन से गल कर रही हुई बहुत अच्छा लगे देखो बड़ा कुछ असी करते हैं
बड़े विश्वासी हाँ गुरु के, बट जी बड़े चिर तो एक साड़ी घाट सी, नीड सी, आई थिंक वो एक पूरी कर रहे हैं कि दिस एकेडमिक वर्ल्ड और मॉडर्न जरा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी नाल अपनी विरासत नू गुरु की फिलासफी हाउ टू टैल अदर, आई थिंक ही इज़ फिलिंग दैट गैप एंड ट्राइंग टू फिल इट। गॉड ब्लेस हिम। सारे साथियों से बैठे मैं उन सारे का ही धन्यवाद करता और देखो उतों आ गए इतने रौनक ला बहरों आके हथ करके मेरे ना चढ़ा साहब आए थे, उन्होंने इनवाइट किया भी लाने भी आओ। सो मैं थोड़ा सारे का दिलों शुक्रिया करता से वाहेगुरू करे थोड़ी जी बाकियों को भी इस तरह ही लाख लगे और ये जा गया सी जो कहते नहीं चलता बाकियों से भी वो थोड़े करके होर भी आ। वैसे मैं न्यूयॉर्क जी एक सिख कल्चर फिल्म हूँ मैं वह पैटर्न हाँ, मैं और कंपानी जी ने बड़ी साल तो मैं हर साल जाता रहा उत्थे, वो भी तेजी चिंता बड़ा मैं उधर ईश्वर सिंह के पास असं पटियाले कुलीग से इस अग्रवाल भाई देवर पटियाला बड़े साल तो मैं उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी भी जाना आफ्टर यूनिवर्सिटी वो फंक्शन करते सिख चेयर से। सो बड़े संस्थावान ये सेवा कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स छट के रियल काम में लगे तो भाई गुरु करे बहुत बोर मिले पर बहुत थैंक यू। थैंक यू जी ਗੁਰੇਲਿਆ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। सेगमेंट है उन लोगों के लिए जो अपने अपने फील्ड में बड़े बड़े कार्य करते हैं, उनकी रिकग्निशन के लिए ये सेगमेंट है जिसमें हम उन सब लोगों को ऑनर करने जा रहे हैं जिनकी यहां फिल्में दर्शाई गई, जिन्होंने सेवा कार्य की है, जो बढ़ चढ़कर ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम आज सम्मानित करेंगे इस सेगमेंट में। अभी हमने जो फिल्म देखी ये ओजस्वी शर्मा द्वारा निर्देशित की गई, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई और पूरी तरह से इसमें इंसानियत की झलक दिखती है। हम समझते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाए। प्यार की चांदनी में खिलते हैं, प्यार की चांदनी में खिलते हैं, दश्ते इंसानियत के फूल है हम। एक और शेर याद आ रहा है, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। तो एक तवज्जो देने की आवश्यकता है तो फिर अपने आप ही सारी चीजें संभलने लगती है और हम एंजॉय करते हैं उस ह्यूमैनिटी की डगर को। और उसी डगर को बनाए हुए सिख लेंस भी आगे चल रहा है। हम सब लोग एक साथ मिलकर जब कारवां को बढ़ाते चले जाते हैं तो कारवां बड़ा हो जाता है और इसी तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते
इन तमाम हस्तियों को मंच पर बुलाना चाहेंगे, सम्मानित करना चाहेंगे। सबसे पहले क्योंकि जो फिल्म अभी दिखाई गई है वो फिल्म धन श्री गुरु रामदास लंगर सेवा की थी, तो उनकी पूरी टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाए। सिख लेंस के फाउंडर विकेट सिंह और गुरप्रीत मिट्टल भी मंच पर बुलाना चाहेंगे। तालियां आपकी ओर से बजती रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हौसला अफजाई होगी। ये जो कार्य करते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ये तमाम लोग जो इस समय हमारे सामने खड़े हैं ये मूल्यवान है, इनकी सेवा मूल्यवान है। खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता, खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता, ये वो चीज है जो देखी कहीं कहीं मैंने। तो यहां पर इंसानियत की पूरी एक कतार है जो लगातार जुड़े रहते हैं सेवा कार्य में। जोरदार तालियां एक बार फिर इन सबके लिए। और अब वाहेगुरु जी की फतेह। असीं मतलब इन्नी जोगे नहीं सीगे, जिन्ने जोगे सानू गुरु रामदास महाराज ने बनाया, कदी सोचा नहीं सीगा कि महाराज सानू इत्थों तक लै जाऊगा। जिहड़ा बंदा जिथे बंदे सोच खत्म होंदी है उत्थों परमात्मा की सोच शुरू होंदी है। असीं एक क्लीन सेफ सीगे, पिंडां दे विच पट्ठे लिआउणे वढ के खेतों घरे ते घरों खेत, ते महाराज ने एड्डी वड्डी सेवा साडे ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हेरिटेज कल्चर प्रिजर्व करके रखते हैं, बाहर इनका सबने प्रदर्शित पूरा स्टॉल देखा होगा। अगर आप पुराना चरखा ढूंढना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा, बल्टोही कहते हैं वो भी मिलेगी इनके पास, सारी चीजें संजोए हुए हैं। जोरदार ताली है क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य है कि अपनी हेरिटेज अपने कल्चर को बचाए और सब तक उसे पहुंचाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने ज्यादा बोलना तो नहीं आता, पर मैं इन्नी की गल कहूंगा भी राहां दे रोड़े नू कह लो मोरी दी इट नू चवारे ते लाता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा विक्की सिंह जी का ते जसवी शर्मा जी का भी जिन्होंने मैनू इन्ना माण बख्शिया इत्थे बुलाया। तो मेरा मेन मकसद ये है भी अपनी जिहड़ी विरासत आ उहनू सांभ के आपां रखीए रल मिल के, ते विरासत नू सांभ के आउण वाली नवी पीढ़ी नू दिखाईए ता कि वह अपनियां जड़ां नाल जुड़ सके, अपने विरसे नाल जुड़ सकण, अपनी विरासत नाल जुड़ सकण। मेन मकसद मेरा यह आ। बाकी बहुत बहुत दिल दीआं गहराईआं तों धन्नवाद। परमिंदर जी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने आज परमिंदर जी की एग्जीबिशन देखी, बट सर अपने एग्जीबिशन की मेन जो आपके पास खजाना है, मैं उसको खजाना ही बोलूँगा, दो चार ऐसी चीज़ें बताओ जो मतलब देखनी बिल्कुल ही बनती थी, अगर किसी से मिस हुई है तो उन्होंने क्या मिस किया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। वैसे जिमें कहते मामा नूं पुत प्यारे सारे ही हुंदे ने, सारी कलैक्शन मेरी चलो वाहिगुरु की कृपा ना काफ़ी वधिया आ। तो जिहड़ी मेरी कलैक्शन दे विच मतलब मेन जिहड़ा मेरा पहला जिहड़ा फोकस सीगा वह कॉइन के उपर सी, ते पिछले 2600 साल तो लैके 6th सेंचुरी BC
तो लैके जिन्हें भी राजे महाराजे नवाब सुल्तान ते जिन्हिया भी रियासतां से उन्हां सारिया दे मतलब कोयन मेरी कलैक्शन दे विच हैगे ने भी कोई भी राजा बोलो तो सारे के मतलब राजे मेरे को पहला तो मेन मैं कोयन कलैक्शन करता सी ते उस तो बाद मैनू लग्या भी जिहड़ा कोयन आ वह एक मैटल आ मैटल होने करके जिहड़ा 2600 साल तो या 1000 साल तो या 1500 साल तो खराब नहीं होया भी वह आने वाले टाइम के भी जिंदा रहूगा तो मेरा जो फोकस आ वह हाथ लिखित जिहड़े ग्रंथ ने अपने उन्होंने उपर होया तो भी जिहड़े कागज खराब हो रहे या ग्रंथ खराब हो रहे हैं उन्होंने सामने का बीड़ा चुकिया पिछले लगभग 8-9 साल तो मैं हाथ लिखित ग्रंथ इकट्ठे करने शुरू किए तो मेरे को 72 ग्रंथ 72 हाथ लिखित ग्रंथ ने जिदे पत्तियां दे उपर लिखी हुई रामायण लगभग 900 साल पुरानी वह भी मेरी कलैक्शन एक इंच की कुरान जिहड़ी कि सैकंड वर्ल्ड वॉर वेले तो फौजियों मिली सी वह भी मेरी कलैक्शन दे विच आ ते बाकी जम्मू के महाराजा महाराजा गुलाब सिंह ने भाई केसर सिंह तो जिहड़ी गीता लिखवाई सी पंजाबी दे विच 1840 दे विच जिस दे विच 20 पेंटिंग नैचुरल कलर दियां विद गोल्ड वर्क ने गियां जो कि पूरे वर्ल्ड दे विच सिर्फ मेरे कोल आ उहदे नाल दा दूजा मतलब पीस कोई है नहीं गा इस तरह की जिहड़ी कलैक्शन आ उह मैं हाथ लिखित ग्रंथां दे विच कीती ते उस तों बाद फिर हथियारां दी कलैक्शन सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰ ਕਟਾਰਾ ਵਿਸ਼ੂਏ ਸੁਰੇ ਨੇਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਉਹ ਹਰ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5-6 ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ 2-2 ਕਰਕੇ 5-5 ਕਰਕੇ ਅੱਜ 14,000 ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14,000 ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਵਿੱਕੀ ਵਿਵਿਸ ਜੀ ਦਾ ਓਜਸਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਾਹੀਏ ਇਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ ਔਰ ਹਮ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਮੰਚ ਪਰ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਤਮਾਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਉਨਸੇ ਹਮਾਰਾ विनम्र निवेदन है कि वो मंच पर आए यूनाइटेड नेशंस के तमाम अधिकारीगण मंच पर आए जोरदार तालियां सरदार राजा सिंह जी इस उम्र में भी हमें संदेश दे रहे हैं कि जीवन चलने का नाम है और ये देखिए खुद चलकर मंच की ओर बढ़ रहे हैं जोरदार तालियां आपकी तरफ से बजती रहनी चाहिए United Sikh Mission, Healthcare, Education, Environment, Conservation, Social Welfare पर कार्य करता है पर्यावरण की सुरक्षा की बात होती है तो आगे स्वास्थ्य की बात होती है तो आगे शिक्षा की बात होती है तो वहां भी खड़ा है जोरदार तालियां United Sikh Mission की टीम के लिए
ये पल ऐसा है, पहले मैंने सोचा ऑनर करूं, फिर सोचा पहले अनाउंसमेंट करूं। एक्चुअली करने को और कहने को बहुत कुछ है, पर सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा बेकी सिंह जी से कि बेकी सिंह जी बताएं यूनाइटेड सिख मिशन कैसा काम कर रहा है। और अगर आज आपने बाहर हमारी डिस्प्ले देखी है, हमारे बीच यूनाइटेड सिख मिशन की भी पूरी टीम है और वन बीट ग्रुप की भी पूरी टीम है। बहादुर सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं कैलिफोर्निया से, सरदार फौजा सिंह, सरदार हर्षपाल सिंह ढींड साहब, मास्टर रंजीत सिंह जी, अवतार सिंह ढींडसा जी और यूनाइटेड भूपेंद्र सिंह जी। और दरबार साहब ने इस साल 2021 में जो सोलर पैनल की सबसे बड़ी सेवा हुई है उसका पूरा बीड़ा सरदार हर्षपाल सिंह ढींडसा और यूनाइटेड सिख मिशन टीम ने लिया। इस प्रोजेक्ट से 33% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है और कार्बन फुटप्रिंट की रिडक्शन है। इससे बड़ी सेवा ह्यूमैनिटी के लिए कोई नहीं हो सकती। एनवायरमेंटल इनिशिएटिव इस साल सबसे बड़ा और आंखों के जितने कैंप लगाए हैं वो यूनाइटेड सिख मिशन की टीम ने लगाए हैं। एंड सिखलेंस इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यूनाइटेड सिख मिशन। You really enjoy working with United Sikh Mission, and they are doing amazing work in iCamps, and they recently installed the solar panels at Shri Harmandir Sahib, and we wish them all the best. Thank you. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Hun ta main bol bhi nahi sakda. चंडीगढ़ मैं 25 साल बाद रहा, एक वाहिगुरु का आसरा 75 साल का मैं एक कम कर लगा जब 75 साल का एक कुदरती जो मैराथन के कोई दौड़ किसी ने मैं लक्ष्य नहीं किया। मैनू इन्नी बड़ी खुशी आ जोड़े पंजाब भी ये चीज़ा हो मैराथन नहीं तो कोई लैको खाता को कुछ करता करो जी आ करो जी डॉक्टर जाते आ खाओ जी आ खाओ। मैं किसी ने भी क्या दौड़ो या ना दौड़ो मैं इन्ना ही बड़ा खुश हाँ मेरी जिंदगी पंजाब भी ये कम हो सारे दे दुनिया से भी कोई इस दौड़ में जानता नहीं सी। मैं घोड़े हिड़े जो तो उन्होंने मुल्कों चढ़ाई उतराई आदा मुल्क 15 आ दिल्ली उदा मैं दौड़िया दो बार रब की कुछ मेहनत रही 25 साल हूँ तो मैं इतने आया। अज मैं बहुत खुश होया जरा अपना चोटी का शहर वा चंडीगढ़ अगे भी हर साल आता रहा। मेरे न्याणे भी इतने पढ़े मेरा भाण जा के इतने मर गया सगा हरदार और गुरुद्वारे को मकान उदों भी मैं जितना पंजाब का रसा सच्चा बंदिया का सारे का इतने चंडीगढ़ कोई ट्रबल नहीं हर कोई बंदा चंगा खाता पीता चलता ये बारह मुल्कों का भी उपड़ती है। ये जल बाहर भी जाते मैं देखा अमरीका बनाया इन्हों को कोई फर्क नहीं करंसी का जोर का ना इतने चीजा का फर्क वा जरा ये जगह रहने वाला बंदा है ना वो सच्चा सच्चा ही रह सकता क्यों बड़े सच्चे सच्चे आ जे कोई निकम्मा भी बंदा उन्हों भी इन्हों रिश्ते सोना कम करना पैदा। एक कुदरती दो शहर बसे भी अंग्रेजों ने राज के बच्चे ही थोड़ा चेरी हुआ पर सच्चाई का सौ पाया जो शायद इन्ना गल कह मैं वाहिगुरु का खालसा। तो आज सरदार फौजा सिंह जी की उपस्थिति में हम अपनी अगली बुक अनाउंस करने जा रहे हैं। बुक कवर लॉन्च रशपाल सिंह ढींडसा सिल्वर लाइनिंग द जर्नी ऑफ रशपाल सिंह। सदे पत्तर कुरान करते हुए इतने पहुंचे हुए सारे ही श्रोतजनों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास
यूनाइटेड सिख मिले कुछ शब्द जिहड़े कहने चाहते हैं जिन्हें इन्होंने 15 साल तो लगातार अमेरिका हिंदुस्तान कम किए हैं। 2005 के यूनाइटेड सिख मिशन होने चाहिए सी उस टाइम इसके 3 मिशन से लोगों की हेल्प करना जोड़े अज तक चल रहे हैं। दूसरा 9/11 तो बाद अमेरिका के मिस्टेक एंड आइडेंटिटी लैके लोगों जानकार करवाना उस काम परमिशन लैन दुनिया की सब तो बड़ी परेड रोज परेड के सानू तकरीबन 10 साल लगे जिद भाई साहब विक्की सिंह होना ने पूरा सहयोग दिता। 10 साल तो बाद सानू यूनाइटेड सिख मिशन के बैनर थले परेड च हिस्सा लैण का मौका मिलया जिहड़ी दुनिया की सब तो वड्डी परेड 125 मिलियन ब्यूरोल से असी अपनी दस्तार ते अपने निशान साहब के नाल वो फ्लोट पैसा देने की सड़कों से लाए जिन्हें बहुत नहीं कह सकते थोड़ी वाली जानकारी जी उन्होंने मिली। दूसरा जोड़ा 2019 के 550 साल गुरु नानक साहब के पुरब से करतारपुर साहब का रास्ता जोड़ा खुलिया वो इदा परोसया गया जिदा समान तो दुकान तो समान लैन गया जफी पा के ये रास्ता सानू मिल गया नहीं ये पिछे बहुत बड़ी कहानी है। 15 साल की जदोजहद तो बाद डब्ल्यू जॉन मैकडॉनल्ड जिन्हें UNO के फॉर्मर अंबैसडर सन उन्होंने मदद के नाल दोनों देशों लागे लिया गया ये रास्ता फिर खुलिया ना कि ना पोलिटिकल लोगों के करके जी अपनी वाह वाह कर रहे। चौथा जो सारी अमेरिका बंद हो गया सी यूनाइटेड सिख मिशन ने सिटी दे अर्ज ते लंगर लाना शुरू किया जिहड़ा सानू आस सी 2-4 दिन चल के हट जाएगा पर लगातार असी 1 साल लंगर 5 to 7 हज़ार मील डेली पका के हॉट मील जिहड़ा हॉस्पिटल रेड क्रॉस नू पुलिस नू जां होमलेसां नू असी वरतों दे रहे हैं जिसते जो बाइडन का एक कुछ बयान आया सी आओ जे कुछ सीखना तो सिखा तो सीखो। यूनाइटेड सिख मिशन ने पिछले साल अप्रैल यूनाइटेड श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अज से यह फैसला लिया कि दरबार साहब की सेवा जो बाहर सिख करे वो अज पूरी हो चुकी है ये सारे का स्नेह जरा वो ते ही लोगों जा रहा है क्योंकि ते ही पैसे के नाल वो सारा काम होया है अभी तो सिर्फ काम करने वाले ही हाँ। अज मैनू होर 10 दिन खुशी हो रही है अमेरिका के पहला लंगर जरा गुरु नानक लंगर अप्रैल के महीने स्टार्ट हो रहा है जरा अपने आप से गुरद्वारा साहब तो बाद अपनी आइडेंटिटी आप लैके लोगों च बितरेगा जिदे साढ़े भाई साहब ने बहुत बड़ा योगदान पा रहे हैं असी उन्होंने तक खाना पहुँचा करेंगे जे इस गल तो असमत प्रकट करते हैं। सरदार बहादुर सिंह होनी असी जो पीरे कैंप लाने जाते होंगे सी जिते तकरीबन 5-5 हज़ार बंदा एक कैंप चाहता सी इन्हों के घर असी 50-60 जी रेंदे होंगे सन माता ने बड़ा सत्कार किया उस जगह के उत्ते इन्होंने हॉस्पिटल बना दिता नर्सिंग कॉलेज बना दिता नर्सिंग स्कूल बना दते बड़ूसा अकैडमी खोल दिती इन्हों का बड़प्पण है क्योंकि आप उत्ते ना रेंदे हुए भी अपने इलाके का बहुत कुछ कर रहे हैं मैं इन्हों का अति धन्यवादी हाँ। तो बाकी जी भुख आज बीबा जी लिख रहे हैं उदा तो जे तुम मेरे घरदू पुछो तो वह कहते वे जहाँ लगा कि घर ना जमे तो पर मैं हम लगता भी जे कदा निकम कर चुके तो शायद कोई ना कोई भला बंदा रहा तो सारे मदद वाहू जी का खालसा वाहू जी। अनाउंसमेंट्स आज कम नहीं होने वाली तो
तो सरदार ख्वाजा सिंह जी आज हमारे इस मंच पे हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा विकी सिंह जी से और गुरप्रीत मैम से कि ख्वाजा सिंह सर को, जो हमारे सुपर सेंटेनेरियन मैराथन रनर हैं, उन्हें सम्मानित करें। वैसे सिकलेंस ख्वाजा सिंह सर को सम्मान कितना कर पाए, बट एक टोकन है फॉर इंस्पायरिंग मैनकाइंड सरदार ख्वाजा सिंह। और सच में सिकलेंस को आज यहाँ पहुंच कर सरदार ख्वाजा सिंह जो हमारे बीच में हैं, उन्होंने सम्मान दिया है और जोरदार तालियां इनके लिए आज हमारे बीच में हैं। और अब हमारा अनुरोध रहेगा सिकलेंस के फाउंडर बिके सिंह, मैडम गुरप्रीत कौर और जसवी शर्मा कि वो इन पर जो फिल्म बनाई जाएगी उसका पोस्टर लॉन्च करें। फिल्म ऑन ख्वाजा सिंह बाय सिकलेंस, तालियां और जोर से बजाएं। इनके लिए भी खुशी का मौका है, इन पर फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा देगी ये फिल्म हमें आने वाले दिनों में। So, 12 years back, we had made a film, I Run While Talking to God. It was a Sicklands production, made by the Chapman Film School students. And now we are trying to make another film on Bhakti, and the name is Jasvi, is Ghoja Singh Going the Distance. हमने वो कहा कि हम बनाएंगे और हम अगले साल फेस्टिवल पे दिखाएंगे। बड़ी खुशी आ, नहीं तो कोई काम करता चंगा चाहे अपने च तो हर एक चंगा करता, करो आ करो। अज तक मैं किसी को स्टेज पर नहीं गया भी दौड़ो जा आ करो, मैनू ये बड़ी खुशी आ। सारा पंजाब लड़ पाया मैं सारा गल, सारे मेरे नहीं तो आदमी जोड़ा कोई काम करता कहना भी आ करो आ करो, मैं किसी को गल नहीं ना बाहर मुल्कों में ना इतने। मैनू ये बड़ा चाया जिस मैं कम ने तरक्की की अपना शरीर की, वो कम पंजाब च सारी ही हो, आ भी बड़ा एक धन्यवाद। बहुत बड़ा संदेश दिया है ख्वाजा सिंह जी ने, और इस संदेश को दूर दूर तक फैलाना हमारे जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सेटअप हो, हम आज के लिए ऑनर करना चाहेंगे हमारे आज के डे के एंकर्स को, जिन्होंने पूरा दिन मेहनत की और हमारे सिकलेंस को आज होस्ट किया। और उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे लिली स्वरण मैम। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लिली स्वरण मैम, खुशप्रीत कौर, तेजेश्वर सिंह और हमारे स्टेज पर उपस्थित सर्वप्रिय निर्मोही सर, प्लीज आए स्टेज पर। पूरा दिन इन्होंने होस्ट किया, आओ। We've been here since about 11 in the morning with all the inaugurations and the welcome, and it's been a very, very interesting day and a lot to see and a lot to do and watch. And the anchors have kept the day moving along. We have four of them, and each one took care of their sections extremely well, and so a big round of applause for all of them. कार्यक्रम
फेस्टिवल चल रहा है और जो ऑनर करना था, सम्मानित करना था, हमने सबको कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिख लेंस के फाउंडर हैं, जो मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पे हैं, उनका भी बहुत बड़ा कार्य रहा है। वो भी सुबह से यहाँ है, पिछले ना जाने कितने दिनों से वो इस कार्य को पूरा करने के लिए लगे हुए थे। उनके लिए भी जोरदार, सबके लिए तालियां। एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस आपके सामने होगी, द म्यूजिकल आईज। आपने आंखें बोलती हैं ये तो जरूर सुना होगा, और आंखें गाती भी हैं ये सुना है कभी? द म्यूजिकल आईज, ये ऐसे बच्चे हैं जो दृष्टि बाधित हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन जब गाते हैं तो हमारे कानों में रस खोलते हैं। पंज दरिया दी धरती जिथे डुल डुल पैण शबाब, सत समुंदर पार मेरा सोहना वतन पंजाब, जिथे शरबत वर्गा पानी, जिथे शरबत वर्गा पानी अते जर्रे जर्रे विच प्यार, असी उस धरती दे जाए जिथे जम्मे उदम भगत करतार, असी उस धरती दे जाए जिथे जम्मे उदम भगत करतार। सो मैं आप जी का सारे का चंडीगढ़ की इस धरती से जी आए नूं आखदा हाँ, ते सिख लेंस इंडिया ते मेरे वड्डे वीर ओजस्वी शर्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्होंने थोड़े सामने सानू अज परफॉर्म करने का मौका दिता। मैं चाहवागा कि मेरा वड्डा वीर शिव तुहानू साडे ग्रुप द म्यूजिकलाइज बारे कुछ दसे। शिव सारे नू जी आयां नू जी, जिन्हें भी जिन्हें जिन्हें कदम चल के आए ने सारे दे कदम साडे सिर मत्थे हैं जी। साडा ग्रुप द म्यूजिकल आईज असी गल्लां गल्लां विच सन 2011 विच शुरू किया सी जी, ते अज तुहाडे सब दे आशीर्वाद सदका अज असी ज़्यादा तो नहीं पर कुछ थोड़े बहुत मुकाम ते पहुँच चुके हाँ। असी कई गाने रिलीज़ किए हैं, साडा जिहड़ा मेन सिंगर नवजोत सियान है उन्होंने कई गाने कंपोज किए हैं, कई दो गाने उन्होंने रिलीज़ भी हुए हैं। तो अज साडी कोशिश यही रहेगी कि असी संगीत कला दे पंजाबी फोक दे कुछ डिफरेंट रंग तुहाडे सामने पेश करिए, जिहदे विच पंजाबी फोक भी है, कुछ धार्मिक गीत भी हैं, ते कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं। उम्मीद करते हैं तुहानू साडी इह जिहड़ी परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं तुहानू दसना चाहवागा कि असी एक स्टूडियो भी सैटअप किया है, जो कि असी विजुअली इंपेयर्ड लोग ही उस स्टूडियो नू सैटअप करते हैं, जिहदे विच असी गाने की म्यूजिक मिक्सिंग कंपोजिंग किसी भी मूवी का वॉइस ओवर कुछ भी करना है तो असी सारा कुछ विजुअली इंपेयर्ड सारा कुछ आप ही करते हैं जी। तो इस तो इलावा यूट्यूब फेसबुक वगैरह से साढ़े सारे ट्विटर से साडा द म्यूजिकलाइज के पेजिस बने हुए हैं, तो तुम जरूर सर्च करके साडा जिहड़ा ये पेज लाइक सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करो, ताकि तुहानू साडियां वीडियोस जिहड़ियां क्योंकि अज लिमिटेड टाइम साडे कोल है, असी उन्ना कुछ नहीं दिखा सकते, फिर भी असी गागर च सागर भरन की कोशिश की है कि असी कुछ तुहाडे सामने पंजाबी संगीत दे नाल पेश कर सकीए। मैं सब तो ज़्यादा जिहड़ा धन्नवाद करना चाहुंदा साडे सिख लेंस इंडिया हैड ओजस्वी वीर जिन्होंने सानू इत्थे बुलाया। ओजस्वी शर्मा वास्ते एक बार जोरदार तालियां मार दिओ जी, क्योंकि एड्डा वड्डा प्रोग्राम ऑर्गनाइज करना ते उन्हूं चंगी तरह सिरे चाड़ना नेपरे चाड़ना बहुत ही वड्डी गल है। साडे म्यूजिशियंस जिहड़े स्टेज ते साडे नाल ने, कीबोर्ड ते साडे नाल ने रजत जी ते पवन जी, तबले ते दीपक जी, ढोल ते रोशन जी ते ऑक्टोपैड ते साडे नाल ने गुरमीत जी, ये साडी टीम। इस तों इलावा साडे होर जिहड़े म्यूजिकल आइज दे जिहड़े मैंबर ने बैठे ने, मयंक मोहित सैनी जी ते हरजीत वह भी बैठे ने जिहड़े पर्दे तों पिछे सानू भी सपोर्ट करते ने, टैगोर थिएटर की पूरी टीम, सुरेंद्र शर्मा सर, बाकी
शर्मा जी वास्ते एक बार जोरदार तालियां मार दो। शर्मा जी ताडा नाम लेना जरूरी है क्योंकि सानू पता है ताडा नाम ना लिया तो फिर तुसी सानू चंगी सौं तां वैसे ही दोगे पर हुण सानू होर चंगी सौं मिलेगी। एक बार सर वास्ते जोरदार तालियां ते उन्होंने हाथ हिला दिया क्योंकि सर से हमने बहुत कुछ सीखा है और हमारी मधुर आवाज साडी ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ दी बहुत ही मधुर आवाज निर्मोही सर साडे नाल ने बहुत ही टाइम तो सी नाल जुड़े हुए हैं और बहुत ही म्यूजिक प्रेमी ने संगीत प्रेमी ने। इस तो अलावा सरदार फौजा सिंह जी ढींसा साहब होर जिन्हें भी लोग इत्थे आए ने साडी इस सिक्खी नू साडी इस विरासत नू जिन्हां ने सांभ के रख्या है जिस तरह डोली मैडम भी कह के गए ते सर भी कह रहे थे कि ये जिहड़ी विरासत है इस पीढ़ी नू दसण वास्ते नवीं पीढ़ी नू दसण वास्ते कि किन्नियां कुर्बानियां किन्नियां मेहनतां नाल असीं ये विरासत सांभ के रखी है ते अगे जिहड़ा दारो मदार है वह साडी पीढ़ी ते है ते उस तो बाद अगली पीढ़ी ते है सानू दसण वास्ते ये रियलाइज कराउण वास्ते सिकलेस सिकलेंस दा ते सिकलेंस इंडिया दे जिहड़े इंडिया हेड ने ओजस्वी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस तरह के जब तक प्रोग्राम नहीं होंगे जनता नू साडी विरासत का पता नहीं लगेगा क्योंकि लाइव जिहड़ी चीज़ है उसका मजा कुछ होर ही हुंदा है। असी यूट्यूब ते जिन्नी मर्जी रोटी बनाने की रेसिपी सीख लीए या किसी चीज़ का स्वाद पता कर लिए पर जब तक असी उन्हें रियल चखांगे नहीं सानू उस चीज़ का पता नहीं लगेगा। तो जेड़ा ये अलग अलग रंग मूवीज के थ्रू एग्जीबिशन के थ्रू सिकलेंस इंडिया ने साडे लई अज इत्थे एक जगह पर परोसे ने साडे वास्ते लियाए ने अलग अलग जगह तो हीरियां नू इकट्ठा करके साडे सामने जिहड़े पेश कीता है
स्टेटस में यारो दे ले
ਤੱਕ ਪੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਸੋਹਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਪੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਠਾ ਵੱਜਿਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਟਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਗਦੀ ਪਲਾਂ ਚ ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਮੇਰੀ ਪਰ ਜਾਣ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀਏ ਉਹ ਕੱਟ ਸਹੀ ਨੱਕ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਕੁੜੀਏ ਕੱਟ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਸੀ Okay, promise you. Oh, na thoda na jada mera tere naal vaada, teri har ek reech puga dunga. Na thoda na jada mera tere naal vaada, teri har ek reech puga dunga. Okay, here's the 13th of Feb. What are is many equal was the vision? Oh, what's up? ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ 14 ਫੈਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਟਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਸਭ ਰੀਝਾਂ ਗਈਆਂ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਮੰਮਾ ਦੇ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ Thank you.
बाकी ना दिन बटे जिनी बाकी मैं करना तेरा नुक देखे खुशी नाल खुद बगवान एक बार फिर साडे वीर ओजस्वी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सानू इत्थे परफॉर्म करन दा मौका दिता। जिस दिन ओजस्वी जी की सानू कॉल आई उस तो दो दिन पहले ही अमरिंदर ते नवजोत असीं सारे गल कर रहे सी कि किसे दिन टैगोर थिएटर परफॉर्म करना है ते पता नहीं रब ने बाबे नानक ने साडी बहुत जल्दी सुन ली। दो दिन बाद ही सानू ओजस्वी जी की कॉल आ गई कि तुसीं साडे नाल परफॉर्म करना। मैं कहा जी इस तां चाहुंदी इही सी सानू मौका तां मिले। तो ओजस्वी वीर का थैंक यू। तो दूजी गल जिन्हें भी असी गाने लिखे से असी आप लिखे हैं तो सारे आप ही कंपोज किए हैं। उम्मीद है कि सानू अज की यह छोटी जी हाजरी तुहाडी ते साडी तुहानू जरूर पसंद आई है। धन्यवाद। जे तुहानू साडी परफॉर्मेंस वधिया लगे एक बार जोर की ताड़ियां मार दिओ। और अब हमारा अनुरोध रहेगा विकी सिंह जी से कि वो मंच पर आ जाए। The musical eyes के जितने भी यहाँ पर performance दे रहे थे चाहे वो band के सदस्य हैं या जिन्होंने गाया है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सारा का सारा काम ये खुद करते हैं। It was an amazing performance to see this group perform. So thank you very much. So greatly appreciate it. Thank you. और यहाँ पर सिक लेंस में हमने देखा कि किस तरह से सेवा कार्य आगे बढ़ रहा होता है। और कहते हैं कि इस जहां में जो औरों की फिक्र करते हैं वो लोग कभी टूटा नहीं करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन द म्यूजिकल आइज हम बहुत आने वाले वक्त में इनके साथ बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड some closing remarks. You know, it was amazing performances and execution. So I want to kind of thank Ojasvi and his team, all the volunteers and everyone who came and attended the film festival. Hope to see you all next year, and we are hoping that we could expand the festival to a two-day festival. And let's grow the festival. Thank you. और सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सिक लेंस का, विकी सिंह जी का, गुरप्रीत कौर मैम का, आज आए सभी मेहमानों का, हमारे दर्शकों का और अपनी पूरी टीम का जो बैकस्टेज है, एक चीयर्स कर दो वहाँ से अपनी टीम के लिए जो वहाँ बैकस्टेज है, वहाँ बैकस्टेज और मैं चाहूँगा कि अगर सारे आ जाएं तो हम एक टीम की फोटो जो हम एंड में स्टेज पे करते हैं, तो प्लीज़ सारे लोग आ जाएं नीचे, हमें ज्वाइन करें स्टेज पे, एक ग्रुप फोटोग्राफ।